नंदराम पटेल सिरोंज, धर्मेंद्र रघुवंशी कौदिया, प्रताप सिंह जी रघुवंशी बगरोदा, वीरेंद्र जी रघुवंशी बगरोदा, प्रभुलाल जी जाऊ खेड़ी है हाउ खेड़ी, शिशुपाल सिंह जी कंसी, श्री ब्रजेश जी राठौड़, रोशनियाई खिलावन सिंह जी उदय रामपुर, श्री गणेश राम जी मणिरामपुर, मनोहर जी धानोदा, भैया लाल जी गुप्ता कुरवाई, अर्जुन सिंह जी दांगी सिरोंज, मोहर सिंह जी बमुरिया, ऋषिकांत शर्मा चितावर, श्री बद्री प्रसाद शर्मा भवानी नगर, धन सिंह जी रघुवंशी सहजादपुर, श्री मनसाराम जी चाठौली, गौरव गौरव चौरसिया सिरोंज, सुधीर जी नगीना सिरोंज, श्यामलाल जी रघुवंशी सिरोंज, भगवान सिंह जी चंदा ढाढ़ा, मदन सिंह जी बगरोदा, मोहन श्रीवास्तव, मनोज श्रीवास्तव जी सिरोंज, मोहन बापू सक्सेना लाला टोरी, कमल नारायण शर्मा भटोली, शिव नारायण शर्मा सिरोंज, काशीराम जी रघुवंशी सिरोंज, कन्हैया लाल जी प्रभा सिरोंज। यदि ये महानुभाव यहाँ उपस्थित हैं तो कृपया मंच पर पधारे। आप लोग व्यास जी महाराज का, आप लोगों ने यज्ञ में यहाँ पर यजमान के रूप में कोई घी की आहुति पर बैठ करके, कोई शाकल्या की आहुति पर बैठ करके आप लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जो योगदान दिए हैं, उन लोगों का, दानवीरों का नाम बोला जा रहा है। कृपया मंच पर पधारे श्री सूरज प्रकाश जी रघुवंशी परवरिया वाले। आज आप महानुभाव का यहाँ पर भंडारा था तो कृपया मंच पर पधारे। कमल सिंह जी गुलाबगंज, दामोदर जी सिरोंज निगम, दामोदर जी निगम सिरोंज, घनश्याम जी शर्मा सिरोंज, भारत सिंह जी रघुवंशी भटौली, प्रहलाद सिंह जी भटौली, उमेद सिंह रघुवंशी भटौली, जवाहर सिंह जी भटौली, निरंजन सिंह जी भटौली, महाराज सिंह जी बगरोदा, दीपक रघुवंशी बासोदा, दिलीप रघुवंशी शाहजहांपुर सहजादपुर, प्रवेंद्र रघुवंशी भटौली, रामकिशन सिंह दांगी बमुरिया उदा, मजबूत सिंह जी बमुरिया उदा, अमर सिंह जी बमुरिया उदा, ललन सिंह जी बमुरिया उदा, पप्पू सिंह जी बमुरिया उदा, मुकेश जी बमुरिया उदा। यदि आप महानुभाव यहाँ उपस्थित हैं तो कृपया मंच पर पधारे। जगन्नाथ सिंह जी महादेव खेड़ी, हरिनाम सिंह जी महादेव खेड़ी, झुन्नीलाल रघुवंशी बगरोदा, शिव सिंह दांगी महादेव खेड़ी, महाराज सिंह जी दांगी महादेव खेड़ी, कैलाश सिंह जी महादेव खेड़ी, श्रेयेंद्र जी, धर्मेंद्र जी महादेव खेड़ी, महाराज सिंह जी महादेव खेड़ी, पहलवान सिंह जी सिरोंज, श्री राम जी सूर्यवंशी सिरोंज, नारायण रघुवंशी शाहजहांपुर सहजादपुर, वीर सिंह जी सबदलपुर, राघवेंद्र जी कछपुरा, श्री पूरण सिंह जी शाहजहांपुर सहजादपुर, बाबूलाल जी शर्मा सिरोंज, अजय सिंह जी इकलौद, रघुराज सिंह जी बिशनपुर, श्री ब्रजेंद्र सिंह जी दीपना खेड़ा, राम सिंह जी रघुवंशी भटौली, बहादुर सिंह जी बगरोदा, श्री राम सिंह जी दांगी मदऊ खेड़ी, कल्याण सिंह जी मदऊ खेड़ी। आप महानुभाव यदि यहाँ उपस्थित हैं तो कृपया मंच पर पधारे। जिन दानवीरों का नाम, जिन्होंने तन से मन से धन से सहयोग दिया है, पुनः कल मंच के माध्यम से आपका नाम घोषणा किया जाएगा, इसलिए सब लोगों को तो आना चाहिए। और जिन लोगों का नाम रह गया है, कल पुनः इस मंच के माध्यम से घोषणा किया जाएगा। और जो यजमान के रूप में है, आप लोगों को टोपी दी गई है, ये स्वाफा दिया गया है राजस्थानी, उसको पहन के बैठते
तो लाइफ में भी एक शोभा जाती, तो घर पे छोड़ के आ जाते हैं आप लोग जाते हैं तो उसको पहन करके बैठना चाहिए। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। कहाँ के हैं ये? जय जय श्री राधे। अभी ग्राम परवरिया जिनका आज भंडारा है, श्री शिव प्रकाश जी रघुवंशी, सूरज प्रकाश जी रघुवंशी, परम प्रकाश जी रघुवंशी, आप महान दानवीर, वचनवीर, संकल्पवीर, धर्मवीर, आज आपके द्वारा जो यहाँ पर प्रतिदिन साधु संतों ब्राह्मणों को, यज्ञ में पधारे हुए सज्जनों को भंडारा वितरण किया जाता है, उसमें आज का दिन आप श्री के द्वारा संपादित कराया गया है भंडारा, हमारी शुभकामना है, मंगल कामना है, और ऐसी ही इनकी धर्ममय बुद्धि बनी रहे, इनके संपूर्ण परिवार को भगवान सुख शांति समृद्धि दें। गजेंद्र सिंह जी रघुवंशी, नन्नूलाल विश्वकर्मा, सुनील रघुवंशी, हाँ, इन सब लोगों ने यहाँ भंडारे का आयोजन किया है, सबको हमारी शुभकामना है, मंगल कामना है। और हमारे रुको वकील साहब, आप हमारे अध्यक्ष हैं, साफा पहना करके आपका स्वागत कर रहे हैं। आगे इधर देखिए, इधर ऐसे 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 देखिए, ऐसे ये इनका तुम कर दो। हमारे महेंद्र सिंह जी रघुवंशी आपका स्वागत कर रहे हैं, शुभकामना है। और हमारे घनश्याम जी त्यागी, आप भी आइए, सभा पहनाइए। संगाती, ठीक है ठीक है, इधर इधर देखिए। हाँ, रतन सिंह, श्री रतन सिंह जी परवरिया, उन्होंने इस यज्ञ में 11,000 की राशि सादर समर्पित की है, उनको शुभकामना है। और यदि यहाँ पर वो महानुभाव उपस्थित हो तो कृपया मंच पर पधारे अति शीघ्र। क्या चीज? परमाल सिंह और रह गए कि यहाँ हैं भी? परमाल सिंह यहाँ पर हैं। परमाल सिंह जी यदि यहाँ पर उपस्थित हो तो अति शीघ्र पधारे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम नमस्तस्यै भगवते राधाया कुंठमेधसे राधाधर सुधा सिंधौ नमो नित्य विहारिणे राधाम कृष्ण स्वरूपाम वै कृष्णम राधा स्वरूपिणम कलात्मानम निकुञ्जस्थम गुरुरूपम सदा भजे यत्पाद पद्मनख चंद्रमणि शटाया विस्फुरजितम किमपि गोपवधुस्वदर्शी पूर्णानुराग रस सागर सार मूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु।
योवन्तः प्रविश्य मम वाच इमां प्रसुप्तां संजीवयत् अखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणस्वर्णत्वगादिन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं श्रीहंसं च सनत्कुमार प्रभृतिं बीडाधरं नारदं निम्बादित्यगुरुं च द्वादशगुरुन् श्री श्रीनिवासादिकान् वन्दे सुन्दरभट्टदेशिकमुखान् वस्वेन्दुसङ्ख्यायुतान् श्रीव्यासाध्वरिमध्यगा च परितः सर्वान् गुरुन् सादरम् हे निम्बार्कदयानिधे गुणनिधे हे भक्तचिन्तामणे हे आचार्यशिरोमणे मुनिगणै राम्रेज्ञपादाम्बुज हे श्रेष्ठस्थितिपालक प्रभवन हे नाथ मायाधिपे हे गोवर्धन कन्दरालय विभो मां पाहि सर्वेश्वर कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि गोपालचूडामणि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वैष्णवेभ्यो नमो नमः वैष्णवेभ्यो नमो नमः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 भक्ति भक्त भगवन्त गुरो चतुरनाम वपुए तिनके पद वन्दन किए कमला कुज मंडल के ऋत कुंडल के कलित ललित बन माल जय जय देव हरे कलित ललित बन माल जय जय देव हरे दिन मणि मंडल मंडल जय जय देव हरे
आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। निम्बार्क भगवान की जय। यज्ञ पुरुष भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। अपने अपने गुरु गोविंद की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनियोथ सिद्धा सत्वैकता न मतयो वच संप्रवाहै नाराधितुं पुरुगुणै रधुनापि पिप्रुः किं तुष्टुमर्हते समे हरिरुग्रजाते। नंद नंदन श्याम सुंदर की वांगमयी प्रतिरूपा श्रीमद्भागवतीय सत्र का आज पंचम दिवस है। सत्यम विधातुम निज भृत्यभासितम व्याप्तिम चभूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात् यदभूत रूपमुद्वहन् अस्तम्भे सभायाम न मृगम न मानुषम्। पाषाण खंभ से भगवान नारायण का नरसिंह के रूप में अवतरण हुआ। हिरण्यकश्यपु ने पूछा, जिस परमात्मा की तुम स्तुति गाते हो, कीर्तन गाते हो, जिसके बल पर तुमने आज्ञा का मेरे उल्लंघन किया है, वो तुम्हारा ईश्वर कहाँ पर है? कहाँ पर है? परे बरे मी स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो ये न बसम प्रणीतः। सर्वत्र सर्वत्र है, जड़ और चेतन में समान रूप से व्याप्त है। क्या कहा? सर्वत्र है। हाँ, क्वासौ यदि स सर्वत्र कस्मात् अस्तम्भे न दृश्यते। यदि वो सर्वत्र है तो इस पत्थर के खंभे में क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है? दिखाई पड़े या न पड़े, लेकिन खंभे में भी है। इतना सुनना था, आओ, सिंहासन पर बैठा था, कूद पड़ा नीचे। अस्तंभम तताड़ाति बलस्व मुष्टिना, और अपने मुष्टिका से खंभे के ऊपर जोर से प्रहार किया। तदैव तस्मिन् निनदित निनदोति भीषणो बभूवये नांड कटाहम स्फुटम्। जब प्रहार किया तो खंभे के अंदर से भीषण ध्वनि हुई, कर्कश ध्वनि हुई, ऐसी भीषण ध्वनि कि समुद्र में ज्वार भाटा आ गया, पृथ्वी कांपने लगी, दिग्गज चिंघाड़ने लगे, उल्का पात होने लगा। हिरण्यकश्यपु ने सोचा, यह आवाज कहां से आ रही है? इतने ही देर में उस खंभे के अंदर से ससत्वमेनम परितोपि पश्यन् अस्तम्भस्य मध्य धनु निर्जिहानम नायं मृगो नापि नरो विचित्रम कहो अहोत किमेतन् रे मृगेन्द्र रूपम। न मनुष्य न सिंह, नरसिंह के रूप में भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलिए नरसिंह भगवान की। हिरण्यकश्यपु ने विचित्र प्राणी को देखा, तलवार निकाल लिया, कहीं विष्णु बहरूपिया तो नहीं आ गया। तलवार निकाल लिया, युद्ध होने लगा दोनों में। जैसे गरुड़ सर्प को पकड़ लेता है, वैसे ही नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु को पकड़ लिया और अपने जंघाओं के ऊपर लेटा लिया। क्या कर रहे हो? हिरण्यकश्यपु ने पूछा। बध कर रहा हूं। किसका? तुम्हारा? नहीं, मैं अबध्य हूं, मरने वाला नहीं हूं। कैसे? ब्रह्मा ने हमको वरदान दिया है। क्या?
ब्रह्मा के बनाए किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु न हो। नरसिंह भगवान ने कहा कि मैंने ब्रह्मा को बनाया है, ब्रह्मा ने हमको नहीं बनाया है, अब तो मार दें। ना 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 ना, एक ही नहीं, बहुत नीतिज्ञ था हिरण्यकश्यपु। नांतर बहिर दिवानक्तम अन्यस्माद अपिचायुधही, न बाहर मृत्यु हो न भीतर मृत्यु हो। बाहर भीतर नहीं है, देहली के ऊपर हो, दरवाजे के ऊपर हो, न बाहर न भीतर। अब तो मार दे, कहे कि नहीं नहीं, वरदान मिला है क्या, न रात में मरूंगा न दिन में, है न रात है न दिन है, संध्या है, अब बोलो। नहीं, वरदान मिला है क्या, न भूमौ नाम्बरे मृत्युर, वरदान मिला है कि न मैं भूमि पर मरूंगा और न आकाश में मरूंगा। हाँ, न तुम भूमि पर हो न आकाश में हो, मेरे गोद में हो, मेरी जंघा पर हो, अब मार दूं। हाँ, नहीं। व्यसु भिरवा समुद्र भिरवा सूरा सूरा महोर गही अप्रतिद्वंदताम युद्धे एक पत्यम च देहि नाम। मैं किसी प्राणी से, प्राणी बोलते हैं जिसमें प्राण का संचार हो, प्राणी, अप्राणी जिसमें प्राण न चले उससे भी मेरी मृत्यु न हो, किसी सर्प से न हो, देवता से न हो, वो सब मैं कुछ नहीं हूं, अब बोलो। वरदान मिला है क्या, किसी अस्त्र शस्त्र से मेरी मृत्यु न हो। भगवान ने कहा मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, यह हमारे जो नख है ना, यही अस्त्र है, अब बोलो। ऊपर नीचे देखने लगा, जितना वरदान मांगा था ता फेल। द्वारयूर आपात्य ददार लीलया नखैर यथा ही गरुड़ मांस, जैसे गरुड़ विषधर सर्प को फाड़ डालता है उसी प्रकार भगवान नरसिंह ने भी हिरण्यकश्यपु के वक्ष को विदीर्ण कर दिया, हिरण्यकश्यपु का उद्धार कर दिया। और भगवान चिंघाड़ रहे हैं, तीनों लोक कांप रहा है, भगवान इतने क्रोधित हैं कि सारा संसार दग्ध हो रहा है, जल रहा है, किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि जाएं। तब देवताओं ने लक्ष्मी जी से प्रार्थना किया कि आपके पतिदेव हैं, पति नाराज हो जाएं तो उनको एक ही मना सकती हैं श्रीमती जी, दूसरा उनको मनाने वाला नहीं है। तो लक्ष्मी जी गई साक्षात श्री प्रेषिता देवैर दृष्ट्वा तन महदद्भुतम अदृष्टा सुरत पूर्वित्वात् अदृष्टा सुरत पूर्वत्वात् सानुपी आयु संकिता। जब लक्ष्मी जी गई और भगवान के विकट रूप को देखा, कह दी कि नहीं, ये हमारे पति हो ही नहीं सकते हैं। सर्प पर सोने वाला शांताकारम भुजग सैनम, सर्प पर सोने वाला भी शांत हमारे पतिदेव, और ये तो क्रोधावेश में है, यह हमारे पति हो ही नहीं सकते, वो भी चली गई। तब देवताओं ने सोचा कि अब इनका क्रोध शांत कैसे हो, तो भगवान ने किसके लिए अवतार लिया था, प्रहलाद के लिए। अब प्रहलाद जाए, सिंह चाहे कितना भी क्रोधित क्यों न हो, है अपने बालक को देख करके शांत हो जाता है। उसका बच्चा, दूसरे के बच्चे को तो सिर मार देते हैं, लेकिन अपने बच्चे की बड़ी रखवाली करते हैं, देखरेख करते हैं, चूमते हैं, चाटते हैं। तो ये नरसिंह भगवान हैं, ये जब तक प्रहलाद को नहीं देखेंगे तब तक इनकी करुणा जागृत नहीं होगी। देवताओं ने कहा कि प्रहलाद तुम्हारे लिए अवतार लिया है, अब तुम ही जाओ तो ये शांत होंगे। अब प्रहलाद पहुंचे भगवान के पास में और क्या किए, स्वपाद मूले पतितम तमर भकम विलोक्य देव कृपया परिप्लुत उत्थाप तच्छ्रिष यदधात करांबुजम कालाय वित्रस्त धियाम कृता भयम। भगवान ने देखा और अब प्रहलाद को देख करके भगवान की करुणा, भगवान की दया, प्रेम उमड़ आया, प्रहलाद को गोद में उठा लिया, मुख चाटने लगे और प्रहलाद के शीश के ऊपर अपना करकमल रख दिया। वो करकमल
जो संसार भय से मृत्यु भय से भीत जब भगवत शरणागति ग्रहण करते हैं तो उनके ऊपर अपना कर कमल रख करके मृत्यु भय से रहित कर देते। क्वेदम बपुः क्वाच सुकुमार मेतत् क्वेमा प्रमत्त कृतदारुणयात नास्ते न लोकितम विषम मेतदभूत पूर्वम क्षंतव्यमंग यदि मे समये विलंब। भगवान कह रहे हैं, बोली प्रभु प्यारे प्रिय कोमल तिहारी अंग असुर ने सताए मम एक नाम गाने में गिरते गिराए पुनि जल में डुबोए हाय अग्नि में जलाए कमीरा की ना सताने में उड़ते लगाए लपटाए कहे बार बार करुणा स्वरूप बने करुणा दिखाने में मंजुल मुखार बिंद चुम चुम कहे प्रभु क्षमा करो पुत्र मोहि देर भई आने में क्षमा करो पुत्र मोहि देर भई आने में। नरसिंह भगवान प्रहलाद जी से क्षमा याचना कर रहे हैं, बेटा तुम्हारी कहां कोमल काया और कहां हिरणकश्यपु की कठोर यातनाएं, तुमने सबको सहा आने में विलंब हो गया, बहुत पहले आना चाहिए था। भगवान ऐसे नहीं जाते हैं, अभिपक्वा कसायाणाम दुर्दर्शो हम कुयोगिनाम। भगवान जो परिपक्व हो जाता है उसी के पास में आते हैं, जो पका न हो उसके पास नहीं आते। अब पूरी तरह से प्रहलाद जी पक चुके हैं भगवान के प्रेम में स्नेह में। हिरण्यकश्यपु ने कितनी यातना दी, कठोर कठोर यातनाएं दी, लेकिन प्रहलाद ने सबको सहा, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी, उसको कौन सा कष्ट नहीं दिया गया। हमारे यहां कोई बीमार हो जाए तो लोग कहते हैं कि भगवान के मंदिर में हम नहीं जाएंगे, क्यों भाई वो मेरा काम ही नहीं किए, मेरी बीमारी दूर नहीं किए, डॉक्टर बनकर के आए नहीं, इंजेक्शन लगाए नहीं, तो हम उनकी सेवा क्यों करें। देखो अकाल पड़ गया, हमारे खेत में पानी नहीं है, फसल सूख रहा है, अब हम भगवान की भक्ति आज से हनुमान जी के मंदिर में नहीं जाएंगे, क्यों भाई वो ट्यूबवेल चला करके हमारे खेत में पानी नहीं दिए है। भगवान के लिए कितना त्याग करना पड़ता है ये प्रहलाद से सीखे। कुछ भी किया, कोई सा भी कष्ट दिया, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं छोड़ा। प्रेम डगर अति ही कठिन सबते निबहत ना, चढ़ी के मोम तुरंग पे चलिबो पावक मां। ये प्रेम के डगर पर उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य बरा निबोधत छुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत कवयो बदंती। ये जो डगर है बड़ा कठिन है, शीश काट के भूई धरे ऊपर राखे पांव, इश्क चमन के बीच में ऐसा है तो आओ। इस प्रेम के डगर पर भक्ति के मार्ग पर प्रभु पथ पर चलना अत्यंत कठिन है। ऋषि कहते हैं कि उठो जागो महापुरुषों के पास जाओ, इस मार्ग पर चलना छुरे की धार पर तीक्ष्ण छुरे की धार पर चलना है। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु हजारों में लाखों में करोड़ों में कोई एक होता है जो उस डगर को पकड़ता है, सब पीछे ही रह जाते हैं। प्रहलाद ने कहा कि भगवान मैं कुछ आपकी स्तुति कर लूं। हाँ हाँ करो, क्यों नहीं। ब्रह्मा दया सुरगणा मुनियोथ सिद्धा सत्वैकता न मतयो वच संप्रवाहै नाराधितुं पुरुगुणै रधुनापि पिप्रुहु किं तुष्टुमरहते समे हरिरुग्रजाते। भगवन हा बोलो भाई क्या कह रहे हो। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता जो सदैव सत्वगुण में स्थित रह करके आपकी धारा प्रवाह स्तुति करते हैं, लेकिन आज तक आप उन पर प्रसन्न नहीं हुए, और मैं तो रजोगुणी तमोगुणी असुर कुल में उत्पन्न हुआ हूं, क्या आप हमारे ऊपर प्रसन्न होंगे। जब नहीं प्रसन्न नहीं होता तो आता काहे के लिए, प्रेम रखते हैं आप हमसे। हाँ हाँ
और क्या कह रहे हैं, मन्ने धनाभि जन रूप तपः श्रुतौज तेज प्रभाव बलपौरुष बुद्धि योगः नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पायः। ये संसार में उत्कृष्ट 12 ऐश्वर्य माने गए हैं, 12 ऐश्वर्य, धन जन रूप तप स्तुति ओज तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि और योग, 12 उत्कृष्ट ऐश्वर्य है। इन 12 ऐश्वर्यों के बल पर कोई भगवान को प्राप्त करना चाहे तो संभव नहीं है। तो यदि भगवान को प्राप्त करना है तो केवल केवल भगवान से प्रेम करो। गजेंद्र के पास में कौन सा ऐश्वर्य था, कौन सा बल था, कौन सी विद्या थी, कौन सा रूप था, कौन सा तेज था, कौन सी बुद्धि थी, कौन सा योग था, कुछ नहीं। ज्ञातम कृष्ण तवांग्रि पंकज युगम प्रेमैक लभ्यम। यशोदा के पास क्या था, यशोदा ने उखल में बांध दिया। गोपियों के पास क्या था, चुल्लू भर छाछ पर ताही अहीर की छो हरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचा गए। चुल्लू भर छाछ पर नचा दिया उस जगदीश्वर को, सर्वेश्वर को, क्या था उनके पास, केवल प्रेम और दूसरा कुछ नहीं। तत्यक्षमन्यु मसुरस्य हतस्त्वयाद्य मोदेत साधुरपि वृश्चिक सर्प हत्या लोकाश्च निर्वृति मिता प्रतियन्ति सर्वे रूपम नरसिंह विभयाय जनाः अस्मरन्ति। भगवान से कह रहे हैं प्रहलाद कि महाराज आप इतने क्रोधित क्यों हैं, क्रोध का कारण क्या है, शांत हो जाइए, असुर मारा गया अब जीवित नहीं है, सांप बिच्छू को मार दिया जाए तो साधु पुरुष भी प्रसन्न होते हैं और ये तो बड़ा दुष्ट था, ये मारा गया अब आप शांत हो जाइए, अब क्रोध ना कीजिए और आपके इस नरसिंह अवतार का जो स्मरण करेगा वो संसार भय से रहित हो जाएगा। आपके इस अलौकिक अद्भुत रूप का जो स्मरण करेगा, चिंतन करेगा, मृत्यु भय से, काल भय से, संसार भय से रहित हो जाएगा। क्वाहम रजः प्रभव ईस तमोधिकेस्मिन् जातः सुरेतर कुले क्व तवानुकंपा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वैरमाया यन्मेरपितः शिरसि पद्मकर प्रसादः। भगवान हाँ आपने मुझे गोद में उठा लिया, मुझे चाट रहे हैं, हमें मृत्यु भय से रहित कर दिए अपने कर कमल को मेरे शीश पर रखकर, क्या ये कृपा प्रसाद आपने कभी लक्ष्मी को दिया, नहीं ब्रह्मा को दिया, लक्ष्मी आपकी पत्नी है, ब्रह्मा आपके पुत्र हैं और शिव आपके आत्मा है, इन तीनों को क्या मुझे जो कृपा प्रसाद आपकी प्राप्त हुई दूसरे को मिला, नहीं तो मैं मानता हूं कि आपने हमें जो कृपा प्रसाद प्रदान किया है अद्वितीय है, ये कृपा प्रसाद आज तक किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ। तत्ते अरहत्तम नमः अस्तुति कर्म पूजा कर्मा अस्मृतिश्चरणयोः श्रवणम कथायाम संशय भया त्वयि विनेति खड़ंगया किम भक्तिम जनः परमहंस गतौ लभेत। प्रहलाद जी ने भगवत प्राप्ति के 6 साधनों का वर्णन किया है, भगवान को प्राप्त करने के लिए 6 साधन कौन कौन, नमस्कार, भगवान को नमस्कार कर लीजिए इतने में खुश हो जाते हैं, आस्तुति, भगवान मैं आपका हूं, आप सर्वेश्वर हैं, जगदीश्वर हैं, हम आपकी शरण में हैं, इतने से ही खुश हो जाते हैं। सक्री देवा प्रपन्नाय,
त्वास मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तत् व्रतम मम। भगवान की यह अमर वाणी कि एक बार भी कोई कह देता है कि भगवान मैं आपका हूं, उसको मैं संसार भय से रहित कर देता हूं, संपूर्ण पापों से मुक्त कर देता हूं, एक बार कहो तो सही। कर्म शरीर से, मन से, वाणी से जो कुछ भी करें भगवान के लिए करें, और जो कुछ कर्म करें प्रभु के चरणों में समर्पित कर दें। और कुछ भी न हो तो जहां पर भागवत की कथा हो रही हो वहां पर बैठ जाएं, और बैठ करके अपने इन कर्ण कुहरों से, कर्णपुटों से प्रभु का पावन चरित्र श्रवण करें। पाने नते देव कथा सुधाया प्रवृद्ध भक्त्या विशदाशयाई वैराग्य सारम प्रतिलभ्य बोधम यथांजसान्वी युरकुंठ दिशनम। प्रभु का पावन चरित्र कर्णपुटों से अंतःकरण में जाता है तो अंतःकरण के सारे मल को, मैल को, जन्म जन्मांतर के वासनाओं को, कर्म ग्रंथि को, संशय को छिन्न भिन्न कर देता है। भिद्यन्ते हृदय ग्रंथि, छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनिश्वरे। वो जीव मुक्त हो जाता है। प्रहलाद जी ने स्तुति किया तो भगवान खुश हो गए, प्रहलाद तुमने गजब की स्तुति की है, अब हमारी इच्छा है कि हम तुमको कुछ दें, मांगो क्या चाहिए। यस्तयासीस आशास्ते न स भृत्या सवई बणिक। मैं महाराज व्यापारी नहीं हूं, बणिक नहीं हूं, लेन देन कहां होता है, बणिक में, स्वामी और सेवक में लेन देन। नहीं, स्वामी सेवक में लेन देन नहीं होता है, वहां तो केवल प्रेम का आदान प्रदान होता है, कुछ नहीं चाहिए। अरे नहीं प्रहलाद, कुछ तो मांग, कुछ कहो, कुछ मांगो, मैं प्रसन्न हूं, देने के लिए तैयार हूं। तैयार हैं, देंगे, हाँ हाँ दूंगा, क्यों नहीं, मांगो तो सही। तो प्रहलाद ने विलक्षण मांग रखी। यदि राशि समे कामान वरांस्त्वं वरदर सभा कामानाम हृदसंग्रोहम भवतस्तु वृणे वरम। यदि देना चाहते हैं एक वरदान दीजिए, मांगो मांगो मांगो, मेरे हृदय में, हाँ बोलो क्या कहना चाहते हैं। भगवान यदि देना चाहते हैं तो ये वरदान दीजिए कि मेरे हृदय में कभी भी मांगने की कोई कामना ही उत्पन्न न हो। क्यों भाई ऐसा क्यों कह रहे हो, मैं जानता हूं। क्या जानते हो, मेरे गुरुदेव ने सिखाया है। क्या सिखाया है, विमुंचति यदा कामान मानवो मनसी स्थितान तरही व पुंडरीकाक्ष भगवत्वाय कल्पते। गुरु जी ने सिखाया है जिस क्षण हृदय से, दिल से सारी तृष्णा समाप्त हो जाती है, कामना समाप्त हो जाती है, उसी क्षण वो जीव, वो पुरुष, वो साधक भगवान का रूप धारण कर लेता है। यानी भगवत प्राप्ति में तृष्णा ही बाधक है। यदि तृष्णा न हो, तू तो केवल ब्रह्म था, चाह न होती बीच, यदि बीच में कामना की दीवार न होती तो तुम तो ब्रह्म था। तुम ब्रह्म था यदि मांगने की इच्छा नहीं होती, जीवन में तृष्णा नहीं होती, तृष्णा की दीवार ही तृष्णया भौवाहिन्या योग्य ही कामई रपूरिया कर्माणि कार्यमाणो हम नाना योनिस योजिता। ये जो कामना है, तृष्णा है, यही संसार की वाहक है, संसार में बार बार धक्का देकर पहुंचाती है, नाना प्रकार के कर्मों में प्रेरित करती है। तृष्णा समाप्त हो जाए तो जीव मुक्त हो जाएगा।
भगवान ने प्रहलाद से कहा कि प्रहलाद तुमने स्तुति कर ली, कुछ मांगा भी नहीं, अब एक काम करो, अपने ये पिता के सिंहासन पर बैठ जाओ, ये तुम्हारे जो पिताजी का सिंहासन खाली पड़ा है इस पर बैठ जाओ। कहे महाराज ये असुर का सिंहासन है, मैं नहीं बैठता। असुर के सिंहासन पर कहीं बैठे तो हमारी बुद्धि भी आसुरी हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं बैठूंगा। अरे नहीं नहीं बैठो, ना ना मैं नहीं बैठूंगा। तब नरसिंह भगवान बैठ गए हिरण्यकश्यपु के सिंहासन पर और फिर कहे कि अब बैठो, अब ये मेरा प्रसाद है, अब ये हिरण्यकश्यपु का सिंहासन नहीं है, अब मेरा प्रसाद है, मेरा उच्छिष्ट है, अब इसका सेवन करो। कब तक महाराज? भोगे न पुण्यम कुशले न पापम कलेवरम काल जबे न हित्वा कृतिम विशुद्धम सुरलोक गीताम बिताये माम्यस्य से मुक्त बंधः। इस संसार में जीव अपने कर्म का भोग भोगने के लिए आता है, दो कर्म पाप और पुण्य, ते ह्लादा परितापा फलः पुण्य पुण्यो हेतुत्वात्। इस संसार में हम आते हैं पाप का फल दुख के रूप में भोगने के लिए और पुण्य का फल सुख के रूप में भोगने के लिए। अब ये जब तक दोनों रहता है, पाप भी और पुण्य भी, तब तक जीव को जन्म मरण का चक्र लगा ही रहता है। सुख है यानी सोने की बेड़ी, दुख यानी पाप की बेड़ी, बेड़ी दोनों है, दोनों से हम बंधे हुए हैं, लेकिन एक सोने में बंधे हैं और एक लोहे में बंधे हैं, ये दोनों बांध करके रखता है। इसलिए पुण्य पापे विधु यह निरंजन परमम साम्यम उपैति, पुण्य पाप दोनों को समाप्त करो तब भगवत धाम की आशा करो। जब तक तुम्हारा पुण्य है उसका सुख भोगो, पाप कर्म है उसको कुशल कर्म के द्वारा पुण्य के द्वारा समाप्त करो। तब तक प्रहलाद जी को एक बात याद आ गई, महाराज आपने कई बार कहा कि बर मांगो। हाँ हाँ मैंने कहा, कोई मना थोड़ी कर रहा हूं, मांगो मांगे। हाँ हाँ बरम बरिया ये तत्ते बर देशान महेश्वर यद निंदत पिता मे त्वाम अविद्वांस तेज ऐश्वरम। महाराज हमारे पिताजी ने आपकी बड़ी निंदा की, आपके तेज को आपके प्रभाव को नहीं जानते थे इसलिए निंदा की, बहुत कुछ अपशब्द कहा, अपमानित किया, आपके विरोध में रहे, अब आप कृपा कीजिए कहीं उनकी दुर्गति न हो जाए, कहीं उनको नरक की यातना न भोगनी पड़े। तब नरसिंह भगवान ने डांटा, क्या बोला? नरक और तुम्हारे पिता की संभव है? नहीं। कैसे? त्रिसप्तभिः पिता पूतः पितृभिः सहते नघः यत् साधुस्य गृहे जातो भवान वही कुलपावन। जिसके कुल में एक वैष्णव जन्म ले ले, एक वैष्णव एक भक्त, उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती है। कितनी पीढ़ी? 21। 7 पितृकुल, 7 मातृकुल और 7 भार्या कुल, 21 पीढ़ी, 21 कुल, 21 पीढ़ी तर जाती है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा भाग्यवती च धन्या स्वर्गा स्थितास्ते पितराश्च धन्या ये साम कुले वैष्णव नामधेयम। जिस कुल में एक वैष्णव जन्म ले ले पूरा कुल पवित्र हो जाता है, जननी कृत हो जाती है, वसुंधरा अपने आप को सौभाग्यशालिनी मानने लगती है, स्वर्ग में स्थित जो पितर हैं मोदंते पितरो सनाथा चियम भूर भवति, वो भी ताली बजाने लगते हैं कि आहा मेरे कुल में एक वैष्णव ने जन्म लिया है और तुम अपने पिता के संबंध में चिंता करे ना।
फिर नरसिंह भगवान ने ब्रह्मा जी को भी डांटा, बरम बरिया हिताते बरदेशान महेश्वर मई वरु सुराम ते प्रदेय पद्म संभव बर क्रूर निसर्गाणाम अहि नाम अमृतम यथा। ब्रह्मा जी ध्यान से सुनिए, आज के बाद इन दुष्टों को, इन असुरों को ऐसा आप वरदान न दीजिए। इनको वरदान देना असुरों को मानो सर्प को अमृत पिलाना है। ब्रह्मा जी ने कहा कि आज के बाद भगवान ऐसा वरदान नहीं देंगे। नरसिंह भगवान अंतरित हो गए। इस पावन चरित्र का जो श्रवण करता है उसको धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसके पश्चात 10 अध्यायों में प्रहलाद का चरित्र है सप्तम स्कंद में, 5 अध्यायों में स्त्री धर्म का वर्णन है, भगवत धर्म का वर्णन है, दान धर्म का वर्णन है, ब्रह्मचर्य आश्रम का वर्णन है, गृहस्थ धर्म का निरूपण है, वानप्रस्थ धर्म का निरूपण है, संन्यास धर्म का निरूपण है। इन 5 अध्यायों को धर्माध्यायी कहते हैं। जैसे 5 अध्यायों में रास पंचाध्यायी वर्णित है, उसी प्रकार 5 अध्यायों में पूर्णतः धर्म का निरूपण किया गया है। अब हम लोग सप्तम स्कंध में प्रवेश करते हैं। सप्तम स्कंध में मनवंतरों की कथा है। मनवंतर, मनवंतर 14 होते हैं। हम लोग मनवंतरों का विश्लेषण करें, जिसका खंड न हो उसको परमाणु कहते हैं। 2 परमाणुओं का एक अणु होता है, 2 परमाणु को जोड़ दें तो एक अणु, 3 अणुओं को मिला दें तो उसको त्रिश्रेणु कहते हैं। और इस त्रिश्रेणु को पार करने में हम झरोखे आदि से देखते हैं त्रिश्रेणु को, वो छोटे छोटे कण सूर्य की प्रकाश में तैरते हुए दिखाई पड़ते हैं, झरोखे आदि से दिखाई पड़ दिखता है। उस एक कण को पार करने में सूर्य को जितना देर लगता है उसको त्रुटि बोलते। सौ त्रुटि का एक वेद होता है, 3 वेद का एक लौ होता है, 3 लौ का एक निमेश होता है, 3 निमेश का एक क्षण होता है, 5 क्षण की एक काष्ठा होती है, 15 काष्ठा की एक लघु और 15 लघु की एक नाड़िका, 2 नाड़िका का एक मुहूर्त, 6 या 7 नाड़िका का एक प्रहर, 4 प्रहर का दिन और 4 प्रहर का रात, 15 रात दिन का एक पक्ष, 2 पक्ष का एक मास, 6 मास का एक अयन, 2 अयन का एक संवत्सर, 1 संवत्सर मनुष्यों का 1 वर्ष और देवताओं का 1 दिन। मनुष्यों का 360 वर्ष, देवताओं का 1 वर्ष। अब हम लोग मनवंतर का अवलोकन करें। ब्रह्मा के 1 दिन में 14 मनु होते हैं और 1 मनु का राज्यकाल 71 चतुर्युगी से कुछ ऊपर होता है मानवीय गणना के आधार पर। ब्रह्मा के 1 दिन में 1000 चतुर्युग होता है, 1000 चतुर्युग बराबर 4,32,000 वर्ष की आयु है कलयुग की, 8,64,000 वर्ष की आयु है द्वापर की, 12,96,000 वर्ष की आयु है त्रेता की, 17,28,000 वर्ष की आयु है सतयुग की। चारों युगों को मिला दे तो 43,20,000 वर्ष होता है। ये 1 चतुर्युग हुआ और ब्रह्मा के 1 दिन में 1000 चतुर्युग हुआ,
तो 1000 गुने 43,20,000 बराबर 4,32,00,000 वर्ष का दिन और 4,32,00,000 वर्ष का रात, यानी ब्रह्मा के एक दिन में रात में 8,64,00,000 वर्ष होता है। इस गणना के आधार पर ब्रह्मा जी 100 साल जीते, तो ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु मानवीय गणना के आधार पर 3,15,36,24,00,000 वर्ष होता है। जो मनु का राज्यकाल है 30,85,06,142 वर्ष से कुछ अधिक एक मनु। अब ऐसे ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं, पता नहीं कितनी बार उथल पुथल हो ब्रह्मा के एक दिन में ही। ब्रह्मा के एक दिन को कल्प कहते हैं, एक कल्प में ही पता नहीं, अभी कलयुग 5,500 वर्ष से कुछ ज्यादा बीता है। कलियुगे प्रथम चरणे संकल्प में पढ़ते हैं हम लोग। अब वो 4,32,000 वर्ष है कलयुग की आयु, अभी पता नहीं कितने उथल पुथल होंगे, क्या क्या होगा, कितने भारत बंद होंगे, कितने विश्व बंद होंगे, पता नहीं है, भगवान जाने क्या क्या होगा, क्या क्या उथल पुथल होगा। कोई दलिते सवर्ण बनेगा तो सवर्ण दलित बनेगा, ये युद्ध हमेशा शाश्वत परंपरा चलती रहेगी, ये तो युग का प्रभाव है, कोई कुछ करता नहीं है, सब भगवान ऑटोमेटिक करते हैं, उथल पुथल मचाते रहते हैं, उनको आनंद आता है ना। क्रार्थमात्मन इदम त्रिजगतम कृतम ते स्वाम्यम तु तत्र कुधियो इस, ये संसार भगवान की क्रीड़ा स्थली है और इसमें आकर विविध प्रकार की लीला करते हैं। भगवान वही है, देखिए वही भगवान सिंह के रूप में है और वही भगवान गाय के रूप में है, बकरी के रूप में है, भोजन करते हैं उनका, वही भगवान है, दूसरे नहीं। क्योंकि हम स्वप्न देखते हैं, स्वप्न के अंदर आपने शेर देखा और बकरी देखा और शेर ने बकरी को खा लिया, तो शेर कौन बना था भाई, शेर कहाँ से बनकर आया था, जो आत्मदेव है वही तो बने थे, और बकरी कौन बना था, वही आत्मदेव है वही तो बने थे, वही खा रहे हैं और खाने वाला भी वही है। ग्रहिता ग्रहण और ग्राही सब वही है, तो वही विविध, वही त्वम स्त्री त्वम पुमानसी कुमार त्वम उत्वा कुमारी त्वम जीर्णो दंडेन वंचसी त्वम जातो भवती विश्वतो मुखम, वही बेटा वही बेटी वही बूढ़ा वही बूढ़ी, ता वही है भगवान, वही है, उनके अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं। परे बरे मी स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो ये न बसम प्रणीता, भगवान के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। तो मनवंतरों के कथा क्रम में अष्टम स्कंध में मुख्यतः 3 प्रकरण आया है। पहला प्रकरण है गजग्राह चरित्र, दूसरा प्रकरण है समुद्र मंथन और तीसरा प्रकरण है बलि बामन चरित्र। तामस मनवंतर की घटना है गजग्राह चरित्र। आसित गिरिवरो राजन स्त्रीकूट इति विश्रुतः शिरो देनावृत श्रीमान योजनायुत मुक्षितः। क्षीर सिंधु में त्रिकूट नाम का एक पर्वत था, उस पर्वत के ऊपर एक बहुत बड़ा वरुण का ऋतुमान नाम का उद्यान था, उसी उद्यान में एक बहुत बड़ा सरोवर था, उस सरोवर में एक ग्राह रहता था मगर, बड़ा बलवान था, और उसी वन में एक गजेंद्र रहता था अपने पत्नी के साथ, पुत्र के साथ, संबंधियों के साथ। ग्रीष्म काल में
प्यास से व्याकुल होकर के उसी सरोवर में जल पीने के लिए गया। जलपान किया, जल क्रीड़ा किया, उसको पता नहीं था कि मेरी मृत्यु यहीं पर निवास कर रही है। एक बलवान ग्राह ने गजेंद्र के पांव को पकड़ लिया, चरण को पकड़ लिया, गजेंद्र खींचकर बाहर ले गया, फिर ग्राह अंदर ले आया सरोवर के, फिर बाहर, फिर भीतर, ऐसे करते कर तम तत्र कश्चन नृपदैव चोदितो ग्राहो बलियांश चरणे रुसाग्रहित यदृक्ष यैवं व्यसनं गतो गजो यथा बलो सोति बलो यदृक्ष यैवं व्यसनं। बलवान ग्राह ने पकड़ लिया, बहुत चेष्टा किया, बल का प्रयोग किया, लेकिन अपने आप को छुड़ा नहीं सका। विचार किया कि मैं इतना बलवान, हमारे संबंधियों ने भी हमें बचाने की चेष्टा की, किसी प्रकार हम अपने आप को इस फंदे से छुड़ा नहीं सके, क्या करें। और ये युद्ध होते होते समा सहस्त्रम व्यगमन मही पते सप्राण योश्चित्र ममम सतामरा। 1000 वर्ष व्यतीत हो गया युद्ध करते करते। गजेंद्र ने सोचा कि आखिर ये फांस हमको मिली कैसे, यानी ये भगवान की दी हुई फांसी है। ग्राहेण पासेन विधा तुरावृतोप्यहम चतम यामि परंपरा। ये जो फांस मिला है, ये जो बंधन मिला है, मृत्यु उपस्थित हुई है, ये भगवान विधाता की दी हुई फांसी है, और विधाता के फांसी को केवल विधाता ही काट सकता है, इसलिए हम अब उन विधाता की ही शरणागति ग्रहण करें। यह कश्चन एषो बलिनोन्तको रगात् प्रचंड वेगाद् अभिधावतो भृशं भेतं प्रपन्नं परिपाति यत् भयान् मृत्यु प्रधावत यरणम तमीमही। जिसके भय से काल भी भयभीत होता है। काल कैसा है, संपूर्ण संसार को खा जाने के लिए दौड़ रहा है, जैसे सर्प चूहे को खाने के लिए दौड़ता है, उसी प्रकार काल भी संसार के समस्त लोगों को खाने के लिए दौड़ रहा है, खाने के लिए दौड़ रहा है। लेकिन जो भगवत शरणागति ग्रहण करता है वो काल भय से रहित हो जाता है। चक्की चलती है, जो दो पाटों के बीच में आ जाता है वो पिस जाता है, लेकिन जिस धुरी पर चक्की चलती है वहां जो अन्न चिपक जाता है वो नहीं पिसता है। तो भगवत धुरी से, भगवान से जो चिपक जाता है वो काल की धुरी से कभी पिसता नहीं है, काल भय से वो रहित हो जाता है। इसलिए अब हम उन्हीं की शरणागति ग्रहण करें। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम्। तो पूर्व जन्म में उसने जो भगवत स्मरण किया था, कीर्तन किया था, जप किया था, हम किसी भी जन्म में भगवान का भजन करते हो कभी व्यर्थ नहीं जाता है ना, वो जरूर मिलता है हमको। वो किसी जोनी में मिले, पेड़ के जोनी में यानी जड़ जोनी में, हाथी के जोनी में, ग्राह की जोनी में जरूर मिलेगा। इसलिए पुण्य हमेशा करना चाहिए, कभी ना कभी आपके सामने आएगा। आज पूर्व जन्म में उसने जो भजन किया था, संध्या किया था, जप किया था, तप किया था, आज उसके सामने आया, अपने बुद्धि को समाहित किया और भगवान की स्तुति करने लगा। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतत् चिदात्मकम् पुरुषायाद बीजाय परेशायाभि धीमहि। भगवान आप ओंकार स्वरूप, आपको मैं नमस्कार करता हूं। ये संसार में जो चेतना है कहीं भी दिखाई पड़ रही वो आपकी चेतना है। मनुष्य में जो चेतना है, पशु पक्षी में जो चेतना है,
किसी जीव जंतु में जो चेतना है, आंख में दृक शक्ति, कान में श्रवण शक्ति, जिह्वा में स्वाद शक्ति, पाद में गमन शक्ति, हाथ में क्रिया शक्ति, मन में संकल्प शक्ति, बुद्धि में निर्णय शक्ति, वो किसकी है? आपकी है प्रभु, आपकी शक्ति, आपसे ही ये चेतना है। आपके बिना तो संपूर्ण संसार निर्जीव है। आप संपूर्ण संसार के नियंता हैं, परमेश्वर हैं, आप ही संपूर्ण संसार के आदि बीज हैं। ये जो संसार रूपी वृक्ष की उत्पत्ति हुई है, इसके बीज आप हैं। हम आपकी शरण में आए। दिदृक्षवो यस्य पदम सुमंगलम गायंत आनंद समुद्र मग्नः, दिदृक्षवो यस्य पदम सुमंगलम विमुक्त संगा मुनिया सुसाधवः, चरंत लोका व्रतम व्रणम बने भूतात्म भूता सुहृदा समय गति। जिनके मंगलमय स्वरूप का यानी भगवान का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े लोग संसार के संपूर्ण आसक्तियों का परित्याग करके जंगल में चले जाते हैं और अलौकिक व्रतों का आश्रय लेते हैं, संपूर्ण भूत प्राणियों को अपना सुहृद मानते हैं, उन्हीं भगवान की मैं शरणागति ग्रहण करता हूं, वो हमारे गति बने, परम गति बने। नमो नमस्ते खिलकारणाय निष्कारणायाद्भुत कर्मणाय कारणाय सर्वागमनाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय। नमो नमस्ते खिलकारणाय निष्कारणायाद्भुत कारणाय। भगवान आप संपूर्ण संसार के कारण है। जैसे स्वप्न का कारण आत्मा, उसी प्रकार संपूर्ण जगत का कारण भगवान आप ही है, संपूर्ण जगत के कारण। लेकिन आपका कोई कारण नहीं है और आप विलक्षण कारण है। क्यों हम विलक्षण कारण क्यों है भाई? क्योंकि आप संपूर्ण जगत के कारण होते हुए भी आप में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए आप अद्भुत कारण है। जैसे संपूर्ण नदियों का परम तात्पर्य समुद्र है, उसी प्रकार संपूर्ण श्रुतियों का, शास्त्रों का, वेदों का परम तात्पर्य आप हैं भगवान। हम आपकी शरण में आए हैं। सवै न देवासुरमर्त्यतिर्यक् न स्त्री न संडो न पुमान न जंतुः नायम गुणः कर्म न सन् न चासन् निषेधशेषो जयता दशेषः। भगवान हाँ, आप देवता नहीं हैं, आप असुर नहीं हैं, आप मनुष्य नहीं हैं, स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, नपुंसक नहीं, गुण नहीं, कर्म नहीं, सत नहीं, असत नहीं। संपूर्ण जगत का बाध करने के बाद जो शेष बच जाता है, अशेष तत्व आप हैं। हम आपकी शरणागति ग्रहण करते हैं। इस प्रकार गजेंद्र ने दिव्य स्तुति किया। इस गजेंद्र स्तोत्र का पाठ है, यदि ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः काल किया जाए तो आसन्न मृत्यु भी टल जाती है। एक ये श्रीमद् भागवत में जैसे नारायण कवच है, नारायण कवच का पाठ करने वाला छठे स्कंद के आठवें अध्याय में कभी अकाल मौत नहीं मरता है, कभी दुश्मन से वो पराजित नहीं होता है, इसलिए नारायण कवच का पाठ करना चाहिए। और नारायण कवच के अतिरिक्त ये गजेंद्र मोक्ष, इसका पाठ करने वाला भी असाध्य बीमारी से रहित हो जाता है, मृत्यु भय मिट जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में इसका प्रतिदिन पाठ करें। इस तरह गजेंद्र ने एवं गजेंद्र
मुप वर्णित निर्विशेषम ब्रह्मा दयो विविध लिंग विधाभिमान नैते यदोपशस्त्रिपुर निखिलात्मकत्वात् तत्राखिला मर्मयो हरिरा विरासी। इन निर्विशेष भाव से किसी देवता का नाम नहीं लिया, ब्रह्मा आदि देवता आकाश में स्थित थे कि मेरा नाम ले तो मैं इसको बचाने के लिए जाऊं, लेकिन उसने किसी का नाम नहीं लिया। तब सब नाम में सब रूप में जो भगवान श्री हरि हैं उन्होंने विचार किया, अरूप रूप सब मेरा तो मैं ही चलूं। अब भगवान गरुड़ पर बैठ करके आए, सोवंतः सरसुरबले न गृही तैयार तो दृष्टवा गरुत्मति हरिम ख उपात चक्रम उत्क्षिप्य सांबुज करम गृहमाह कृक्षरान नारायणाखिल गुरु भगवन नमस्ते भगवन नमस्ते भगवन नमस्ते। गजेंद्र ने देखा कि आकाश में भगवान श्री हरि गरुड़ पर बैठकर आए हुए हैं, उनके हाथ में चक्र है, गदा है, पद्म है, हमारी रक्षा के लिए आए हैं। कुछ न कुछ है भगवान को समर्पित करना चाहिए। उसके पास क्या था? गजेंद्र के पास मृत्यु भय से जकड़ा हुआ था, मृत्यु भय से भयभीत था। उसके पास क्या था? मृत्यु के पास में जकड़ा हुआ था, लेकिन भगवान को कुछ देना चाहिए तो उसने उस सरोवर से एक कमल का पुष्प निकाला, भगवान को समर्पित किया। भगवान की करुणा जागृत हुई और भगवान झट सरोवर की तम विक्ष पीड़ित मजा सहसावतीय सग्राहमाशु सरसा कृपयोजहार ग्राहात विपाटित मुखा दरिणा गजेंद्रम संपश्यताम हरिरमो मुच दुस्त्रियाणाम। भगवान झट गरुड़ से उतर पड़े और कितनी तेज गति भगवान की, पीताम्बर गिर पड़ा, पादुका गिर पड़ा, गरुड़ छोड़ दिए और तुरंत सरोवर के पास में आए और ग्राह के समेत गज को बाहर निकाले और अपने चक्र से ग्राह के मुख को फाड़ डाला। ग्राह की और गजेंद्र की दोनों की कामनाएं पूर्ण हुई, भगवान ने दोनों का उद्धार किया। गजेंद्रो भगवत स्पर्शात विमुक्तो ज्ञान बंधनात प्राप्तो भगवतो रूपम पीतवासा चतुर्भुज। देखिए एक ये पहला उदाहरण है कि भगवान के स्पर्श से हाथी तुरंत भगवत स्वरूप ग्रहण कर लिया। गजेंद्र ने भगवान के स्पर्श को प्राप्त किया और तुरंत गज की योनि उसकी छूट गई, गजेंद्र की योनि छूट गई, हाथी की योनि छूट गई और शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु का रूप बन गया। गजेंद्र पूर्व जन्म में इंद्रदुम नाम का राजा था, अगस्त ऋषि के साप के कारण इस योनि में आया था और जो ग्रह था वो हुहु नाम का गंधर्व था, देवल ऋषि के साप के कारण इस योनि में आया था। चाक्षुष मनमंत्र में समुद्र मंथन हुआ, यथा भगवता ब्रह्मन् मथितः क्षीर सागरः यदर्थं वा यतश्चाद्रिम। गजेंद्र मोक्ष के बाद समुद्र मंथन का प्रकरण प्रारंभ होता है। एक बार दुर्वासा जी भगवान के धाम में गए तो वहां पर भगवान श्री हरि ने गजेंद्र को माला प्रसादी प्रदान किया। माला प्रसादी धारण करके
ये सब लोग जो बाल छोटे छोटे बच्चे हैं हल्ला कर रहे हैं, इनको शांत कराइए। ये छोटे छोटे बालकों को लेकर के आ जाते हैं यहाँ। तो गजेंद्र मोक्ष के बाद समुद्र मंथन प्रारंभ होता है। दुर्वासा जी भगवान के धाम से आए भगवान की प्रसादी माला लेकर और स्वर्ग में आए और स्वर्ग में अपनी प्रसादी माला इंद्र को प्रदान किया। इंद्र को अब इंद्र ने भगवत प्रसादी माला धारण तो की लेकिन तुरंत उसको निकालकर हाथी के ऐरावत हाथी के गले में डाल दिया। ऐरावत हाथी ने उस माला को तोड़ करके अपने चरणों में डाल दिया। भगवत प्रसादी माला का इस प्रकार अपमान देख करके दुर्वासा क्रोधित हो गए और दुर्वासा ने शाप दिया कि इंद्र ने भगवत प्रसादी माला का अपमान किया है, इसलिए तुम श्रीहीन हो जाओ, क्योंकि श्री के कारण ही तुमने इस माला का अपमान किया है। यदा दुर्वासः शापात् सिन्द्रा लोका स्त्रियो नृपा, इंद्र श्रीहीन हो गए ये पता पड़ा दैत्यों को, दैत्यों ने स्वर्ग के ऊपर अधिकार कर लिया। अब देवता लोग दर दर भटकने लगे, अब ठौर ठिकाना नहीं। अब देवता भटकते भटकते भगवान नारायण के पास में गए। नारायण से निवेदन किया, महाराज कोई उपाय कीजिए, हम लोगों का राज्य खो गया। तब नारायण ने कहा कि ये काम करो तुम लोग, क्या करें महाराज, जाओ बलि के पास और संधि कर लो और दोनों मिलकर के समुद्र का मंथन करो, अमृत निकलेगा, तुम लोग पी लेना, बलवान हो जाना और फिर दैत्यों को पराजित कर देना। इंद्र ने कहा कि वो हमारे दुश्मन है महाराज, उनके पास हम कैसे जाएं, उन्होंने हमारे स्वर्ग को छीन लिया, हम जाएंगे तो हमको बांध देंगे, वो कैद में डाल देंगे या मृत्यु दंड दे देंगे। कहे कि नहीं, बलि ऐसे नहीं है, और एक बात ध्यान रखो, अर्योपि संधेयः सति कार्यार्थ गौरवे अहि मूषकवत् देवा ह्यर्थस्य पदवीं गतये। एक कथा आती है, अहि मूषक न्याय की। एक सांप था, एक पिटारी में बंद था, तो बहुत दिन हो गया उसमें रहते रहते। एक चूहा था, घूमते घूमते उस पिटारी के ऊपर आ गया, पिटारी पर बैठ गया। सर्प ने देखा कि चूहा है, तो चूहे से कहा कि चूहा, मैं तुमको अपना दोस्त बना रहा हूं, तुम इस पिटारी को काट दो। चूहे ने कहा कि नहीं महाराज, हम पिटारी नहीं काटेंगे। सांप में और चूहे में कहीं दोस्ती होती है? नहीं होती है। चूहा तो सांप का भोजन है, हम मैं पिटारी काटा और आप खा जाएंगे, इसलिए मैं नहीं काटूंगा। सर्प ने कहा कि नहीं, मैं सत्य शपथ खाता हूं, कसम खाता हूं, हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, रक्षा करेंगे, तुमको खाएंगे नहीं और दूसरे जीव जंतु से तुम्हारी रक्षा करेंगे, इसलिए तुम मेरी पिटारी को काट दो। कि नहीं नहीं, सर्प के ऊपर मैं विश्वास नहीं करता। नहीं, सर्प ने कहा कि नहीं, विश्वास करो, आज से तुम मेरे मित्र हुए, काट दूं पिटारा, कहीं खा तो नहीं जाएंगे? ना 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 ना, जब हमने तुमको मित्र बना लिया तो मित्र को हम खा करके नरक के गामी बनेंगे, ऐसा मैं कदापि नहीं कर सकता। तुम निश्चिंत होकर के काटो और हर तरह से हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। अब चूहे ने वो पिटारी को काट दिया, अब वो बाहर निकला और फुफकारने लगा, खाने के लिए दौड़ा। चूहे ने कहा कि आपने तो हमको मित्र बनाया है, आप नरक गामी होंगे, आपने तो वचन दिया था कि मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। सर्प ने कहा कि सुरक्षा ही तो कर रहा हूं, कैसे, तुम बाहर रहेगा तो कोई ना कोई तुमको खा जाएगा, फिर हम तुमको अपने पेट में रख लेते हैं, कोई तुमको खाएगा नहीं, तुम्हारी हर तरह से सुरक्षा। और वो चूहे को निगल लिया। तो भगवान ने कहा कि ऐसे ही अर्योपि संधेया सती कार्यार्थ गौरवे
आही मूसक वत देवा, अपना प्रयोजन पूरा हो जाए तो संधि तोड़ दो। संधि तब तक जब तक अपना प्रयोजन पूरा न हो जाए। बलि के पास में इंद्र आए, संधि हुआ, समुद्र मंथन का उद्योग प्रारंभ हुआ। मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई गई, वासुकी नाग की नेति बनाई गई, एक तरफ देवता लगे और एक तरफ दैत्य। भगवान बड़े नीतिज्ञ हैं, भगवान ने कहा कि देवताओं पहले हम लोग मुख की ओर लगेंगे, तो देवता लोग पहले मुख की ओर लग गए। तो दैत्यों ने पूछा कि आप लोग मुख की ओर क्यों लगे हैं, तो देवताओं ने कहा कि हम लोग बड़े हैं, देवता हैं, इसलिए मुख की ओर लगे हैं। कहे कि नहीं, तन्नैक्षन दैत्यपतियो महापुरुष चेष्टितम न गृहिमो वयम पुच्छ महेरंग ममंगलम। स्वाध्याय श्रुत संपन्ना प्रख्याता जन्म कर्म भी इति तुष्णिम स्थितान दैत्यान विलोक्य पुरुषोत्तम। ये सांप का जो पूछ है, यह सांप का अमंगल भाग होता है, इसलिए हम लोग जन्म में कर्म में, हमारे पिता कश्यप हैं, हम लोग श्रुति संपन्न हैं, वेदों का अध्ययन किए हैं, जन्म कर्म श्रेष्ठ है, इसलिए हम लोग सर्प का अमंगल भाग पूंछ नहीं पकड़ेंगे। और खड़े हो गए, भगवान ने कहा कि बढ़िया, चलो भाई देवताओं, हम लोग छोटे पूंछ की ओर लग जाओ। भगवान ने ऐसा क्यों किया कि वासुकी नाग जब मंथन होगा तो अपने मुख से गरम गरम श्वास छोड़ेंगे और सारे दैत्य लोग झुलसेंगे। तो भगवान पूंछ की ओर लग गए। अब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, तो पहले गणेश जी की पूजा नहीं हुई थी, गणेश जी की पूजा नहीं हुई तो मंदराचल पर्वत नीचे जाने लगा, गणेश जी ने विघ्न उपस्थित कर दिया। विलोक्य विघ्नेश विधिम तदेश्वरो दुरंत वीर्यो वितताभिसंधि कर्त्वा वपुः काच्छप मदभुतम महत् प्रविशतो यम गिरिमुज्जहार। तो भगवान ने क्या किया, जब पर्वत नीचे जाने लगा तो भगवान ने कच्छप का अवतार धारण किया। बोलिए कच्छप भगवान की, और उस पर्वत के नीचे जाकर के लग गए। अब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, तो समुद्र मंथन से पहले विष निकला, तीनों लोक जलने लगा, देवता लोग घबराए। महाराज, हम लोग अमृत के लिए उद्योग किए, मंथन किए, विष निकला। कह कोई बात नहीं, न भेतव्यम कालकूटा विषा जलधि संभवात। कोई बात नहीं, चिंता की बात नहीं है, अपने भोले बाबा किस काम में आएंगे, क्या किया जाए, भोले बाबा से कहो वो विष पी ले। देवताओं ने कहा कि क्या महाराज वो विष पीने के लिए तैयार होंगे। कहे कि जाकर जरा प्रार्थना तो करो। तो सब देवता लोग आए, देव देव महादेव भूत आत्मन भूत भावन त्राहीना शरणापन्ना त्रैलोक्य दहनात विषात। महाराज, हाँ, देवों के देव देवाधिदेव, कृपा कीजिए। क्या कृपा करें, शंकर जी जान गए कि देवता लोग बड़े स्वार्थी होते हैं, स्व कार्य कुशला सुरा, कोई न कोई इनका प्रयोजन है, मतलब ही लोग हैं, आए हैं तो कोई न कोई मतलब लेकर के आए। बोलो भाई देवताओं कैसे पधारे। कहे महाराज क्या बताएं, आपके अलावा अब हमारी रक्षा करने वाला, तीनों लोकों की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। क्या हुआ महाराज, हम लोग समुद्र मंथन कर रहे थे, फिर विष निकल गया, तो मैं क्या करूं। महाराज विष आप पी लीजिए, विष हम पी ले, मेरा क्या होगा भाई, जरा श्रीमती जी से भी पूछ ले। कोई काम करना चाहिए तो दोनों के बात विचार से, मंत्रणा से काम हो तो घर में सुख शांति रहती है, नहीं तो आपस में लठ चलने लगे। पहले पूछ ले श्रीमती जी से। अहो वत भवान ये तत् प्रजा नाम पश्यबै ससम। क्षीरोद मथनोद भूतात काल कूटाद उपस्थितम। देवी, हाँ, देवता लोग आए हैं काहे के लिए, बहुत प्रेम से कह रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, काहे के लिए महाराज, कह रहे हैं कि विष पी लो। विष, हाँ, मेरा क्या होगा महाराज,
आप विष पियेंगे तो मेरा क्या होगा, अभी कोई बाल बच्चे भी नहीं है, अभी नई नई शादी हुई है, मामला कहीं गड़बड़ हो गया तो। देवताओं ने कहा कि माता जी आज्ञा दीजिए, ये विष पियेंगे तो केवल एक का सुहाग ही मिटे, पता नहीं मिटे कि ना मिटे, लेकिन यदि नहीं पिए तो सारा संसार समाप्त हो जाएगा, इसलिए आज्ञा दीजिए। एवं मां मंत्र भगवान भवानी विश्व भावना, प्रभाव अज्ञान बमोदता। पार्वती जी भगवान शिव के प्रभाव को जानती थी, ततः करतली कृत्य आज्ञा दे दिया कि पीजिए पीजिए महाराज। भगवान ने अपने करतल में विष लिया, ततः करतली कृत्य व्यापी हालाहलम विषम, और सारे विष को पी लिया, विष अंदर नहीं गया, उसको कंठ में ही रोक लिया, इसलिए भगवान का नाम नीलकंठ हुआ। अब समुद्र मंथन शांति से प्रारंभ हुआ, उच्च सर्वाग घोड़ा निकला उसको बलि ने ले लिया, ऐरावत हाथी निकली उसको इंद्र ने ले लिया, अप्सराएं निकली वो स्वर्ग में चली गईं, कल्प वृक्ष निकला पारिजात पुष्प निकला वो स्वर्ग में चला गया, चंद्रमा निकला उसको भगवान शिव ने अपने शीश के ऊपर धारण किया, वारुणी मदिरा निकली उसको दैत्यों ने ले लिया, अब लक्ष्मी जी प्रकट हुई। लक्ष्मी जी कैसी हैं? लक्ष्मी जी को सब चाहते हैं। अब लक्ष्मी जी निकली तो देवता सोचे कि हमको मिल जाए, दैत्य सोचे कि हमको मिल जाए, धनु दानव सोचे कि हमको मिल जाए, गंधर्व सोचे कि हमको मिल जाए, जितने थे पंडित जी लोग साधु संत देवता असुर सब सोचने लगे कि हमको मिल जाए हमको मिल जाए हमको मिल जाए, आपस में कलह प्रारंभ हो गया, कहे कि भाई ये इनके ऊपर छोड़ दिया जाए, ये जिसके गले में जयमाला डाल दें उसी को प्राप्त हो जाए। अब लक्ष्मी जी के हाथ में जयमाला दे दिया, विलोकयन्ति निरवध्यमात्मनः ध्रुवम पदम ध्रुवम चा व्यभिचारी सद्गुणम गंधर्वयक्षा सुरसिद्धचारण त्रैविष्ट पेया दिशुनान वबिंदत। लक्ष्मी जी अपने हाथ में माला ले ली और माला लेकर के चली, सब लोग बंठन करके बैठे थे कि अब जयमाला मेरे ही गले में पड़ने वाला है, मेरे ही गले में पड़ने वाला है, सब लोग हंस रहे थे, आहा मेरे जैसा सुंदर, मेरे जैसा आयु वाला, मेरे जैसा बलवान, मेरे जैसा सिद्ध, मेरे जैसा विद्या वाला कोई नहीं है, लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर मेरे गले में ही जयमाला। सब लोग माला जयमाला के इंतजार में बैठे रहे। लक्ष्मी जी ने देखा सब में दोष, बब्री बरम सर्व गुणैरपेक्षितम रमा मुकुंदम निरपेक्ष विप्सितम, सब में कोई ना कोई दोष है, सर्वथा निर्दोष तो भगवान श्री हरि हैं। लक्ष्मी जी ने भगवान श्री हरि के ही गले में जयमाला डाल दिया, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, सब देवता दैत्य दानव गंधर्व यक्ष सब हाथ मलते रह गए। भगवान ने लक्ष्मी के साथ विवाह कर लिया। समुद्र मंथन पुनः प्रारंभ हुआ, अब की बार धन्वंतरी भगवान अपने हाथ में अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए। दैत्य बड़े बलवान, दैत्य आज ही बलवान नहीं होते हैं, दुष्ट प्रकृति के लोग केवल आज ही नहीं सभी युगों में बलवान होते हैं, और दुष्टों से सब डरते हैं। बरुभल बास नरक कर ताता दुष्ट संग जनि देहि विधा, दुष्ट तो दुष्ट ही होते हैं, सब डरते हैं, दुष्ट अकेला आ जाए और सैकड़ों सज्जन साधु पुरुषों अकेले ही सबको डरवा देगा। ओ दैत्य धन्वंतरी के हाथ से अमृत छीन लिए, अब देवता लोग घबराए कि महाराज अब गड़बड़ हो गया, अब इनसे हम जीत नहीं सकते, हम लोगों ने इतना उद्योग किया, अब ये अमृत मिलने वाला है नहीं, अब ये तो कब्जा करके बैठ गए, कोई साधु पुरुष का जमीन कोई दुष्ट कब्जा करके बैठ जाए तो वो छोड़ता नहीं है, कब्जा कर लिया। आश्रमा यवने रुद्धा तीर्थानी सरितस्तथा,
चाहे तीर्थ हो आश्रम हो, दुष्ट जहाँ बैठ जाते हैं उसको छोड़ते नहीं है, अभी भी नहीं छोड़ेंगे। तब हरि को हरि नाम, तब उन्होंने भगवान को पुकारा, महाराज अब आप ही कुछ कर सकते हैं। तत्क्षण भगवान मोहिनी के रूप में प्रकट हो गए। जब प्रकट हुए दैत्यों ने देखा, का तुम कंज पला साक्षी कुतो वाक्यम चिकीर्षसी कश्यासी बदबामोरु मथनंती व मनानसिना। मोहिनी भगवान के रूप को देख करके जितने दैत्य थे मोहित हो गए और सबों ने मोहिनी भगवान से शादी का प्रस्ताव रख दिया। क्या मेरी शादी आपके साथ, हम आयु में श्रेष्ठ हैं, बल में श्रेष्ठ हैं, धन में श्रेष्ठ हैं, हमारा आपका विवाह हो जाए, ठीक है हो जाएगा। एक काम और है क्या, वयम कश्यपदायादा भ्रातरः कृतपौरुषाः विभजस्व यथा न्यायम नैव भेदो यथा भवेत्। सुनिए महाराज अब आप आई गए तो एक काम और आप कीजिए, क्या करें, यह अमृत है, हाँ अमृत है, तो मैं क्या करूं, यह अमृत को हम दोनों भाइयों ने मंथन किया, अमृत की प्राप्ति हुई, बराबर बराबर बांट दीजिए, कोई भेद ना हो। देखिए भगवान का दर्शन कैसा होता है, पहले दैत्यों ने तो अमृत छीन लिया कि हम पिएंगे देवताओं को नहीं देंगे, लेकिन जब उन्होंने भगवान का दर्शन किया, चाहे मोहिनी के रूप में क्यों ना हो, उनके बुद्धि में परिवर्तन आया और कहे कि अब बांट दीजिए। भगवान ने कहा कि देखो भाई हम बांट तो देंगे लेकिन हम पुंसली हैं। कथम कश्यपदा यादाह पुंसल्या मई संगता विश्वास विश्वासम स्त्री के ऊपर कभी विश्वास नहीं करना है। विश्वासम पंडितो जातु काम नीसु नयाति ही, पुंसली का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। नखी नाम च नदी नाम च श्रृंगी नाम शस्त्र पाणी नाम विश्वासो नैव कर्तव्य स्त्री राज कुले सुच। नख वाले बाघ आदि पशुओं का विश्वास नहीं करना चाहिए, नदी जिसमें बाढ़ आई हो उसका विश्वास नहीं करना चाहिए। नखी नाम चो नदी नाम चो श्रृंगी नाम, बड़े बड़े सिंह वाले सांड भैंसे का विश्वास नहीं करना चाहिए। जिसके हाथ में शस्त्र हो उसका भी विश्वास नहीं करना चाहिए। और राजपुरुष का, स्त्री स्त्री और राजपुरुष इनका भी विश्वास नहीं करना चाहिए। निरपस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम स्त्री सुचरितम पुरुषस्य भाग्यम। स्त्री पर विश्वास नहीं करना चाहिए और राजकुल पर, जज के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, थानेदार के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, वकील के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। हाँ क्यों, जिससे ज्यादा रिश्वत मिल गया उसी के तरफ फैसला, जिसने ज्यादा पैसा दिया उसी के ऊपर उसी के FIR लिख ली गई। अच्छा दो दो बैठे, अब भाई मैं अपनी बात थोड़े ही कह रहा हूं, ये तो जो लिखा है मैं वो कह रहा हूं। अब इन लोगों को पता होगा ही, 302 का मुकदमा बनने वाला है, थानेदार साहब ने डाला जेब में और काम खत्म, माफ हो गया, ठीक है ठीक है। जज साहब को ज्यादा दान दक्षिणा मिल गई, फैसला उल्टा हो गया, रात में तो कुछ और था सवेरे कुछ और हो गया। स्त्री राजा कुले सुच कभी विश्वास, विश्वासो नैव कर्तव्य, विश्वास नहीं करना चाहिए। जय जय श्री राधे। भगवान ने कहा कि देखो भाई हम अमृत बांटने के लिए तो तैयार हैं। दैत्यों ने कहा कि विवाह तो हमारे साथ नहीं हुआ, हाँ हाँ तुम लोगों के साथ तो विवाह होगा ही, तो बांटो 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 जल्दी करो। तो भगवान ने कहा कि बैठो, कोई हमारे काम में बाधा नहीं डालेगा, नहीं तो विवाह समाप्त, सगाई समाप्त, कैंसिल, नहीं नहीं कोई बाधा नहीं पड़ेगा, बांटो अपने मन से बांटो, एक तरफ देवता एक तरफ दैत्य बैठ जाओ। बैठ गए दोनों तरफ। भगवान ने सोचा असुराणाम सुधादानम सर्पाणाम इव दुर्नयम, जाति मत्वा निशंसाना, ये जो असुर होते हैं स्वभाव से दुष्ट होते हैं,
इनको अमृत पिलाना यानी सर्प को अमृत पिलाने के बराबर होगा। तो भगवान ने थोड़ा देखा और आंख हिला दिया। अब देवताओं दैत्यों को तो वही चाहिए, आंख हिलाना ही, ओठ हिलाना और आंख हिलाना, काम हो गया दैत्यों का। अब वो मुग्ध होकर के अब प्रतीक्षा में है कि अब अमृत मिलेगा ही, अब शादी होगा ही। भगवान ने कहा कि पहले देवताओं की ओर से अमृत पिलाए, देवताओं की ओर पंगति में अमृत चलाने लगे, सब देवता पी पी करके मस्त हो गए। एक स्वर भानु नाम का असुर था, वो आ गया, असुर चंद्रमा के बीच में बैठ गया, वो भी अमृत पी लिया। देखिए पंक्ति में कभी भेद नहीं करना चाहिए, आपका बेटा हो और दूसरे का बेटा हो कोई बात नहीं, पंक्ति में भेद करने से पाप लगता है। भगवान ये जानते हुए भी स्वर भानु को अमृत पिला दिए कि असुर है, क्योंकि पंक्ति में भेद नहीं करना चाहिए, और अमृत पी लिया। लेकिन भगवान ने तुरंत चक्र से उसका शीश काट दिया और काट करके शीश अंतर्ध्यान हो गए। अब दैत्य कह रहे कि भाई उसको ढूंढो, मुहूर्त निकला जा रहे, जल्दी शादी विवाह हो। किसी दैत्य ने कहा कि कौन, अरे जो अमृत पिला रही थी। दैत्य लोग हाथ मलते रहे, वो पिला नहीं रही थी, वो पिला रहा था, अंतरहित हो गया। अब क्या था, देवासुर संग्राम छिड़ गया। अब देवता लोग तो अमृत पी लिए थे। एवं सुरा सुरगण समदेश काल हेत्वर्थ कर्म मतियोपि फले विकल्प तत्रा मृतम सुरगणा फलमंजसापु यतपाद पंकज रजा श्रणयान दैत्या। देवता और दैत्य दोनों ने बराबर मेहनत किया, परिश्रम किया, लेकिन अमृत किसको मिला, फल किसको मिला, देवताओं को। केवल पुरुषार्थ से ही फल की प्राप्ति नहीं हो सकती, इसी से भगवत शरणागति ग्रहण करनी चाहिए, तभी पूरा फल प्राप्त होता है। देवताओं को अमृत मिला। अब देवता लोग अमृत पी करके टनाटन हो गए, बलवान हो गए, देवासुर संग्राम छिड़ गया, देवताओं ने दैत्यों का वध करना प्रारंभ कर दिया। अब ब्रह्मा जी ने देखा कि सब सारे के सारे दैत्य मारे जा रहे हैं, नारद जी को भेजा युद्ध बंद कराओ, देवासुर संग्राम बंद कराओ। देवासुर संग्राम बंद हो गया, जो मृतक दैत्य थे उनको जो जीवित दैत्य बचे थे ले गए शुक्राचार्य के पास में, शुक्राचार्य ने अपने मृत संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया। देवता लोग अमृत पी लिए। अब ये पता पड़ा भगवान शंकर को कि भगवान हरि ने मोहिनी का अवतार धारण करके देवताओं को अमृत पिलाया। पार्वती जी से कहे कि बैठो वृषभ पर, कहाँ चलेंगे, कहे कि चलेंगे भगवान के यहाँ, काहे के लिए, भगवान को उलाहना देंगे, भगवान के जितने अवतार थे मैंने सबका दर्शन किया और मोहिनी का उन्होंने दर्शन नहीं कराया, चलो अपने गणों को साथ लिया, पार्वती को साथ लिया और चल पड़े, वैकुंठ लोक में पहुँच गए। कह महाराज वृषभ ध्वजो निसम्मेदम यो सिद्ध रूपेण दानवान, पहुंच गए वहां पर। कह महाराज आपने हमारे साथ भेद किया, कह क्या हुआ, आपने मोहिनी का अवतार धारण किया, हाँ हाँ धारण किया, आपने दर्शन नहीं दिया, कहे कि आपके लायक रूप नहीं है, कौतूहलाय दैत्यानाम यो सिद्ध भेषो मया कृता पश्यतासुर कार्याणी गते पीयूष भाजने। देवताओं को अमृत पिलाने के लिए, दैत्यों में कौतूहल उत्पन्न करने के लिए, मोह उत्पन्न करने के लिए मैंने वो रूप ग्रहण किया, आपके लायक वो रूप नहीं है, आप संत हैं, महापुरुष हैं, योगी हैं, यति हैं, सन्यासी हैं, भला मोहिनी का दर्शन करके आप क्या कीजिएगा, ना 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 कभी नहीं। कहे कि देखिए महाराज मैंने आपके सारे अवतारों का दर्शन किया, यदि आपने इस अवतार का दर्शन नहीं कराया तो मेरी और आपकी आज से कुट्टी। जब बीस पीना था तो शिव जी याद आए थे ना, भेजे थे आप देवताओं को मेरे पास कि बीस पियो, और जब मोहिनी का दर्शन देना था तो हमको छोड़ दिए, आप बहुत स्वार्थी हैं, हमको दर्शन कराइए। भगवान ने कहा नहीं मानेंगे, नहीं 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 मानेंगे, हमें दर्शन करना ही है। अच्छा 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 ठीक है। इतनी ही देर में तत्क्षण वातावरण बदल गया, भगवान शिव देख रहे हैं कि मैं कैलाश पर बैठा हूँ, मेरे गोद में पार्वती जी बैठी हैं, चारों ओर से हमारे गण घेर करके बैठे हैं,
खड़े हैं, मेरी स्तुति कर रहे हैं। और इतनी ही देर में एक युवती कंदुक क्रीड़ा करते, तांबिक्ष देवा इति कंदुक लीला ये सत ब्रीड़ा अस्फुट अस्मित विसृष्ट कटाक्ष मुष्ट स्त्री प्रेक्षण प्रति समीक्षण भी वलात्मा नात्मा नमंतिक उमाम स्वगणा शेद। इतनी देर में देखते हैं कि एक युवती कंदुक क्रीड़ा करते हुए मेरी ओर आ रही है। बड़ा सुंदर मलुक है, बहुत खूबसूरत है, एक वस्त्रा है, शीतल मंद सुगंध समीर चल रही है, हल्की हल्की जल की बूंदे पड़ रही हैं, जल की बूंदों के आघात से वस्त्र गीला हो गया और तरुणी का उस युवती का सारा अंग दिखाई पड़ रहा है। और वो युवती भी क्या करे, कभी शंकर जी को देख करके आंख हिला दे, कभी ओठ हिला दे। अब शंकर जी का मन शंकर जी के बस में नहीं रहा है। एवं ताम रुचिरा पांगिम दर्शनीया मनोरमा, वाह इतनी सुंदर रूप, जहां देखे वहीं पर गड़ जाए, जहां देखे वहीं पर नेत्र लग जाए। शंकर जी मोहित हो गए। अब पार्वती जी गोद में बैठी हैं, किसी की पत्नी गोद में बैठी हो, पास में हो और पुरुष दूसरे पत्नी की ओर काम के दृष्टि से देखने लगे तो पत्नी के दिल के ऊपर क्या गुजरेगा। पार्वती जी ने कहा उधर क्या देख रहे हैं, पराई स्त्री को कभी नहीं देखना चाहिए। तब तक शंकर जी ने धक्का दिया, चलो हट हट नीचे उठ, सवेरे से शाम हो गया गोद में बैठे बैठे, शर्म नहीं, चल हट। धक्का दिया और सोप गुढ़ा भगवता करिणा करणीय था इतस्ततः प्रसरपंती विप्रा किरण शिरोरुहा, धक्का दिया नीचे किया और जैसे हाथी हथनी के पीछे दौड़ता है वैसे दौड़ने लगे बाबा शंकर, दौड़ने लगे। पिता बाघंबर भी नीचे गिर पड़ा, मुंडमाला भी नीचे गिर पड़ी, त्रिशूल भी नीचे गिर पड़ा, सांप बिच्छू जो गले इधर उधर लगे थे सब गिर पड़े, चंद्रमा भी गिर पड़ा, बाल बिखर गया। दौड़ती दौड़ती सरित सरस सुशैलेशु बानेशु पवनेशु च यत्र क्वचा सन्निश्यः तत्र सन्निहितो हरः। मोहिनी के पीछे शंकर भगवान दौड़ रहे हैं, वस्त्र आदि की भी सुधि नहीं है, और ऋषियों के आश्रम पर भगवान जा रहे हैं और लोग देख रहे हैं, देखो देखो ये शंकर की क्या दशा, जिसने काम को जला दिया उसकी ये दशा। सब लोग हंस रहे हैं, भगवान सब नगर में जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, ऋषियों के आश्रम पर, महर्षियों के आश्रम पर, और सब लोग देख रहे हैं कि आहा शंकर की क्या गति हो गई। दौड़ते 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 एक जगह भगवान शंकर झपटे और जोर से मोहिनी भगवान को पकड़ लिया, लेकिन हाथ में केवल वस्त्र ही पकड़ में आया, और भगवान का वस्त्र तो शिव जी के हाथ में, फिर भगवान शर्मवश वहां से भगे तो वो वस्त्र को फेंके, अब फिर मोहिनी के पीछे दौड़े, दौड़ते दौड़ते एक जगह जोर से दौड़ करके पकड़ लिया, गाढ़ा आलिंगन किया, गाढ़ा आलिंगन किया, शुक्रस्खलित हुआ, शुक्रस्खलित हुआ तो नेत्र खुला, जब नेत्र खुला तो क्या देख रहे हैं कि मेरे गोद में शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु है। क्यों शंकर बाबा, फिर मोहिनी का दर्शन कीजिएगा, कान पकड़ते हैं आज के बाद, सुर विरंच का मोहई को है बपुरा। शंकर जी की भी वो गति। अब वैवस्वत मनमंत्र में जो बलि बामन का चरित्र है उसका प्रारंभ करते हैं। बले पद त्रियम भूमे कस्माथरी रयाचत, राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, भगवान राजा बलि से बामन भगवान ने तीन पग भूमि के माध्यम से संपूर्ण उनके राज्य का हरण किया था, वो कथा जरा सुनाइए। कहे कि सुनो, जब देवासुर संग्राम हुआ, उस देवासुर संग्राम में बहुत से दैत्य मारे गए, जो जीवित थे मृतक को लेकर शुक्राचार्य के पास में आए और शुक्राचार्य ने अपने मृत संजीवनी विद्या से सबको जीवित कर दिया, अब सब जीवित हो गए। और जीवित होकर के बलि ने शुक्राचार्य की सेवा प्रारंभ की, शुक्राचार्य जी प्रसन्न हो गए,
तम ब्राह्मणा भृगवः प्रियमाणा अया जयन विश्वजिता त्रिणाकम जिगीषमाणम विधिनाभिषिच्य महाभिषेकेण महानुभावः। तब शुक्राचार्य जी ने विश्वजीत यज्ञ करवाया बलि से। उस यज्ञ में स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए, रथ लेकर के, घोड़े लेकर के, दिव्य धनुष बाण लेकर के अभिषेक किया गया। प्रहलाद जी भी आए, प्रहलाद जी ने दिव्य माला प्रदान की। अब शुक्राचार्य जी से पूछा, भगवान अब क्या आज्ञा है गुरुदेव? कहे कि आज्ञा ये है कि अब जाओ स्वर्ग के ऊपर चढ़ाई कर दो। बलि चले स्वर्ग के ऊपर चढ़ाई करने के लिए। इंद्र ने देखा, इंद्र ने बृहस्पति जी से पूछा, भगवान अब की बार बलि बहुत बड़ी सैन्य बल के साथ हमारे ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, क्या करना चाहिए? बृहस्पति जी ने कहा कि इंद्र स्वर्ग को खाली कर दो, अभी तुम बलि को नहीं जीत सकते। क्यों क्यों नहीं जीत सकते? क्योंकि अभी शुक्राचार्य यानी गुरु जी की कृपा बलि के ऊपर है। जिसके ऊपर गुरु की कृपा होती है उसको कोई पराजित नहीं कर सकता है, भगवान भी उसका अनिष्ट नहीं कर सकते हैं। भगवान में भी इतनी क्षमता नहीं है, शक्ति नहीं है कि जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाए और उसको कोई पराजित कर दे। नवग्रह हैं, नौ ग्रहों में आठ ग्रह प्रतिकूल हो जाए चलेगा, लेकिन एक ग्रह गुरु ग्रह अनुकूल बना रहे। आठ ग्रह अनुकूल हो और एक गुरु ग्रह प्रतिकूल हो जाए तो आपकी कोई रक्षा नहीं कर सकता है। इसलिए गुरु के साथ कभी भी प्रतिकूल भाव नहीं रखना चाहिए। इंद्र ने स्वर्ग खाली कर दिया, स्वर्ग के ऊपर बलि का राज्य हो गया। अब देवता लोग दर दर भटकने लगे। अब जो देव माता अदिति है, हृते त्रिवेष्टपे दैत्य ही पर्यतप्यदनाथ, हमारे बालक अनाथ की भांति इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं, इनके राज्य को दैत्यों ने छीन लिया। कश्यप जी के पास में गई और जाकर निवेदन किया, पतिदेव हमारी ये बालक दर दर भटक रहे हैं, इनके आजीविका का हरण इन दैत्यों ने कर लिया है, उनका राज्य उनको प्राप्त हो जाए। तब कश्यप जी ने द्वादशाहम पयुव्रतः, द्वादश दिनों में संपादित होने वाला पयोव्रत का उपदेश दिया। उस पयोव्रत का अनुष्ठान किया अदिति ने, तो भगवान नारायण प्रकट हुए। कहे कि माँ बोलो क्या वर मांगती हो, क्या चाहती हो? अदिति ने कहा कि हमारे पुत्रों का राज्य दैत्यों ने छीन लिया है, वो राज्य हमारे पुत्रों को प्राप्त हो जाए। भगवान ने हाथ खड़ा कर दिया कि मेरे बस का नहीं है। क्यों? आप तो भगवान हैं, सर्वसमर्थ हैं, और सब ठीक है, लेकिन अभी बलि धर्म कर्म में लगे हुए हैं, अपने गुरु की सेवा में लगे हैं। उनके गुरु जब तक उनके अनुकूल हैं तब तक मैं उनका बाल बांका नहीं कर सकता। अदिति ने कहा कि मेरे पुत्रों का दुख तो दूर हो प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए। कहे कि एक उपाय है, मैं आपके यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लूंगा और बलि से भिक्षा के रूप में बलि का राज्य मांगूंगा और आपके पुत्रों को प्रदान करूंगा। और वो भी कब? जब उनके गुरु शुक्राचार्य जी उनके प्रतिकूल होंगे तब। अब कुछ भी कीजिए महाराज। भगवान अंतरहित हो गए। श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते भी जिति प्रभो सर्वे नक्षत्र ताराद्याश्चक्रु तज्जन्म दक्षिणम। भाद्रमास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि अभिजित मुहूर्त, भगवान श्री हरि चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और देखते देखते ही तंबटु बामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कार्या मासु पुरस्कृत्या प्रजापतिम। देखते देखते वो जो चतुर्भुज रूप से थे वो बामन के रूप में परिणत हो गए। बोलिए बामन भगवान की, बामन भगवान की, बामन भगवान के रूप में परिणत हो गए। और फिर सबों ने
उनका जात कर्म संस्कार करवाया। तस्योपनीय मानस्य सावित्रीम सविता ब्रवीत बृहस्पतिर ब्रह्मसूत्रम मेखलाम कश्यपो ददात। स्वयं सविता ने गायत्री मंत्र प्रदान किया, बृहस्पति ने जनेऊ प्रदान किया, कश्यप ने मेखला प्रदान की। ददौ कृष्णा जिनम भूमिर दंडम सोमो वनस्पति। कौपिना छादनम माता दौ छत्रम जगतः पते। पृथ्वी ने मृगचर्म प्रदान किया, चंद्रमा ने दंड प्रदान किया, देव माता अदिति ने कौपिन प्रदान किया। कमंडलुम वेद गर्भ कोशान सप्तरसयो दधु अक्षमालाम महाराजा सरस्वत्यव्ययात्मनः। ब्रह्मा जी ने कमंडल प्रदान किया, सप्तऋषियों ने कुशा प्रदान किया, सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला प्रदान की। भिक्षाम भगवतीम साक्षात, साक्षात भगवती ने भिक्षा प्रदान किया। सब लोगों ने भिक्षा दिया, लेकिन वामन भगवान ने कहा कि इसे संतोष नहीं हो रहा है, फिर और चाहिए और चाहिए और चाहिए। हाँ, अब हम लोगों के पास कुछ नहीं है, ज्यादा चाहिए तो आप जाइए राजा बलि के यहाँ, वही आपको दे सकते हैं। वामन भगवान राजा बलि के यहाँ के लिए प्रस्थान किए, राजा बलि के यहाँ पहुंचे। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन किम करवामते, ब्रह्मर्षिणाम तपा साक्षात मन्ये त्वारिय बपुरधरम। आइए हम लोग चले राजा बलि के यहाँ हमारे संगीताचार्य के माध्यम से, बहुत देर हो गया।
करना चाहते हैं बावन भगवान का, एक एक करके सभी लोग पूजन करने के लिए आएंगे। बनाए बलि राजा के द्वारे आए।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। पांच मिनट और बैठ लीजिए। वामन भगवान पहुंचे, बलि ने चरण प्रक्षालन किया, चरणोदक शीश के ऊपर धारण किया, स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन् किम करवामते ब्रह्मर्षिनाम तपः साक्षात मन्ये त्वरीय बपुरुधरम। आपका स्वागत है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो संपूर्ण ऋषियों का तेज ही इस वामन के रूप में यहाँ पर उपस्थित हुआ है। बोलिए। गाम कांचनम गुणवद धाम अमृष्टम तथा नपेय मुतवा विप्रकन्याम ग्रामान समृद्धांश तुर्गान गजानवा रथांश तथा रहत्नम संप्रतिक्ष। क्या चाहिए? गाय, सोना, धन धाम, जो इच्छा हो मांग लीजिए। अन्न, पेय पदार्थ, विप्र कन्या, हाथी, घोड़ा, रथ, जो चाहिए मांग लीजिए। नहीं राजन, नहीं चाहिए। निशम्या, हा, अब वामन भगवान ने प्रशंसा प्रारंभ किया। किसकी? बलि की। निशम्या तद वधम भ्राता हिरण्यकश्यपुपुरा हन्तुम भ्रातृम हणम क्रुद्धो ज गाम निलयम भरे। जब बरा भगवान ने हिरणाक्ष का वध कर दिया तो हिरण्यकश्यपु अपने हाथ में गदा उठाया और बैकुंठ में पहुंच गया लड़ने के लिए। अब विष्णु भगवान भयभीत होकर के बैकुंठ छोड़ करके भाग गए। यतो यतो हम तत्रासौ मृत्यु प्राण भृतामिव अतः पृक्षाम हृदयम। भगवान विष्णु ने सोचा कि यह हमको छोड़ने वाला नहीं है। जैसे मृत्यु जीव का पीछा नहीं छोड़ती है उसी प्रकार ये भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। अब क्या करें? ये जो असुर होते हैं वो बाहरी देखते हैं। हिरण्यकश्यपु आपके कुल में उत्पन्न इतना बलवान था जिसके कारण भगवान विष्णु बैकुंठ लोक छोड़कर भाग गए। चारों दिशाओं में भागते रहे, पीछे पीछे हिरण्यकश्यपु लगा रहा। अंत में उन्होंने सोचा कि जो दैत्य होते हैं, असुर होते हैं, उनकी वृत्ति बहिर होती है और मैं इसके हृदय में प्रवेश कर जाऊं। ये अपने अंदर नहीं झांकते हैं। जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं वो बाहर ही देखते हैं, अपने को नहीं टोटोलते हैं। एवं सनिश्चित्य रिपो शरीरम आधावतो निर्विवशे सुरेंद्र। भगवान श्रीहरि ने सूक्ष्म रूप धारण श्वासा निनांतर हित सूक्ष्म देह धारण करके और हिरण्यकश्यपु के अंदर प्रवेश कर गया। अब हिरण्यकश्यपु चारों ओर ढूंढा, नहीं मिले भगवान विष्णु। तब सोचा कि शायद मेरे भय के कारण उसने आत्महत्या कर लिया होगा। आप उस हिरण्यकश्यपु के कुल के हैं, आप उस हिरणाक्ष के कुल के हैं, आपके कुल में प्रहलाद जैसा, विरोचन जैसा दानी और आपके जैसा भूतो न भविष्यति कोई है ही नहीं। हाँ बोलो, क्या चाहिए तुमको? जो चाहिए सो मांग लो। प्रशंसा करने से ही दान मिलता है। किसी के यहां जाए तो पहले उसकी प्रशंसा करे। खूब प्रसन्न, आपके कुल में ऐसे 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 ऐसे, वो प्रसन्न हो जाता है। प्रशंसा न कीजिए तो दान दक्षिणा नहीं देगा, चंदा रसीद नहीं कटाएगा। इसलिए पहले प्रशंसा करनी चाहिए। और यदि पत्नी सामने हो तो क्या कहना चाहिए? अरे आपकी धर्म पत्नी तो महालक्ष्मी है, चाहे कृपण ही क्यों ना हो। प्रशंसा करनी चाहिए। प्रशंसा किया पहले, अब प्रसन्न हो गया, बोलो बोलो। तस्मात् ततो महिमिषत् वृणे हम वरदर सभात् पतानि त्रिणि दैत्येन्द्र समित्तानि पदा मम। कुछ नहीं चाहिए, तीन पग भूमि। अरे अभी तो तुम इतनी बड़ी लंबी चौड़ी प्रशंसा की। और अभी तुम अहो ब्राह्मण दायाद वाचस्ते वृद्ध सम्मता त्वं बालो बालिस्मति स्वार्थम प्रत्यबुधो यथा। अभी तुम नादान हो, बालक हो। माम बचो भी समाराध्य लोकानामेकमीश्वरम।
तुम्हें पता है मैं कौन हूं? तीनों लोगों का ईश्वर। तो भगवान को हंसी आई। अब तीन तीन ईश्वर हो गए, दो दो ईश्वर हो गए, एक पहले से अपने आप को मान रहा है और एक इधर भी है वामन के रूप में। अब कौन ईश्वर है अभी पता पड़ेगा। और मांग लो द्वीप के द्वीप, ना 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 ना, सप्ताद्वीप सप्ताद्वीपाधिपतियों निरपाबिन्य गया दिया, सातों द्वीपों के अधिपति निरपे गए बेन पृथु जी। इन सबों को धन से संतोष नहीं हुआ, धन से कभी संतोष होता ही नहीं है। जो दस बीस पचास भय सत हो हजार तो लाख मंगाएगी, कोटि अरब खरब असंख पृथ्वी पति होने की चाह जगाएगी, स्वर्ग पताल को राज करो तृष्णा अग की अति आग लगाएगी, सुंदर एक संतोष बिना नर तेरी तो भूख कभी न भगेगी। संतोष न हो तो धन से कभी तृप्ति नहीं मिलती है। इसलिए हमको तो तीन पग भूमि ही चाहिए। एतावतैव सिद्धोऽहं वित्तं यावत् प्रयोजनम्, उतना ही धन अपने पास में रखना चाहिए जिससे प्रयोजन पूरा हो जाए। तब तक शुक्राचार्य जी आ गए। शुक्राचार्य जी ने पूछा बलि से, बलि ये कौन है? एक ब्राह्मण देव हैं, ये कुछ मांग रहे? क्या मांग रहे हैं? तीन पग भूमि। तीन पग भूमि? हाँ, तुमने देने का वचन तो नहीं दे दिया? कि मैंने तो दे दिया है कि नहीं? नहीं, मना करो। क्यों? ये जानते हो कौन है? कौन है महाराज? ऐसा बैरोचने साक्षात भगवान विष्णु रव्य कश्यपादितर जातो देवा नाम कार्य साधक है। साक्षात विष्णु है, देवताओं का प्रयोजन पूर्ण करने के लिए कश्यप के द्वारा अदिति के गर्भ से जन्म लिया, इसलिए मना कर दो। महाराज मैं झूठ बोलूं? झूठ नहीं बोलना चाहिए है कि हाँ हाँ झूठ बोल दो। बहुत से ऐसे जगह है जहां झूठ बोल देने से पाप नहीं लगता है। कहां कहां? स्त्रीसु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम सात जुगुप्सितम। स्त्री श्रीमती जी यदि नाराज हो जाए और उनको मनाना पड़े तो वहां झूठ बोल दे तो झूठ झूठ नहीं माना जाता है। यदि श्रीमती जी बंदर मुखी क्यों ना हो, मनाने के समय सुमुखी कहना चाहिए। उनका आंख जाए बटेर के समान क्यों ना हो, सुलोचनी मृगनयनी कहना चाहिए। तो वो झूठ झूठ वो चाहे गधे के सरीका रेंगती क्यों ना हो, आवाज क्यों ना निकालती हो, लेकिन क्या कहना चाहिए? कोकिल बैनी, और चाहे मेढक के सरीका फुदक करके क्यों ना चले, गजगामिनी कहना चाहिए। तो वो झूठ झूठ नहीं माना जाता है। स्त्री सु नरमा मजाक में विवाह ही विवाह, किसी कन्या की शादी हो रही हो और कोई आए पूछे कि कन्या कैसी है, आंख से भले ही दिखाई ना पड़े लेकिन कहना चाहिए कि पूरे यहीं से बैठे बैठे सूरज चंद्रमा को भी देख लेती है। हाँ, पांव से चला ना जाए, कहना चाहिए कि 100 किलोमीटर के स्पीड में राजधानी जैसी दौड़ती है। तो झूठ झूठ नहीं माना जाता। गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम, गो ब्राह्मण की रक्षा के लिए झूठ बोलना पड़े तो झूठ झूठ नहीं है। महाराज मैं झूठ नहीं बोलूंगा। स चाहम वितलोभे न प्रत्याचक्षे कथम दिजम प्रतिश्रुत्या ददामीति प्रहलादे कि तो यथा। मैं प्रहलाद के वंश का हूं, अपने वचन का निर्वाह करूंगा, मैं इनको जरूर दूंगा। मेरी बात नहीं मानेगा? ना 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 ना, ये नहीं मानूंगा। अब शुक्राचार्य को क्रोध है। अब तक बेचारे वामन भगवान भी चुपचाप उकड़ू खड़े थे। अब गुरु जी की कृपा है, मैं क्या करूं? ये जब तक साफ नहीं देंगे तब तक इनके राज्य का हरण मैं नहीं कर सकता। वो चुपचाप खड़े रहे। मेरी बात मान, बलि नहीं मैं दूंगा, मैं एक बार कह दिया तो दूंगा। अब क्रोध आया, गए मच्छासन आदि गोयस्तो मच्छराद भ्रष्ट से श्री। मेरी बात नहीं मानता है तो जाओ श्रीहीन हो जाओ। अब वामन भगवान ने कहा कि बलि दे रहा है कि चले? अरे नहीं नहीं महाराज लीजिए। अब राम झारा लेकर आए संकल्प लेने के लिए।
अब शुक्राचार्य अब भी भृगवा शिष्यवत्सला भृगु जी को ये शुक्राचार्य को शिष्यवत्सल कहा जाता है, वो टोंटी में आकर के छिप गए। जब टोंटी में छिपे तो वामन भगवान ने कुसा लिया और छेदा छेदा तो शुक्राचार्य जी का कुसे की नोक से एक आंख फूट गया। अब शुक्राचार्य जी ने सोचा कि यदि इसमें रहे तो दोनों ही जाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी भागे। अब संकल्प लिया और जो बामन थे अब त्रिविक्रम बन गए। संकल्प लेते ही छिदिम पदैके न बलेर विचक्रमे नभा शरीर न दिशश्च बाहु भी, एक पग से पूरे पृथ्वी को नाप लिया, कुछ नहीं रहा। पदम द्वितीयम क्रमतस् त्रिविष्टपम, और दूसरे पग से स्वर्ग को नाप लिया। अब तीसरे पग के लिए जगह नहीं, बामन भगवान ने कहा कि तीन पग दो। क्या कहा था? तीन पग देने के लिए, मैंने दो पग में नाप लिया, अब नरक की तैयारी करो। हाँ महाराज, वो तो बाद में जाएंगे नरक में, क्यों क्या बात है? कहे तीन पग भूमि का संकल्प लिया था, हाँ तो दो दे रहे हैं। यदो तमश्लोक भवान ममेरितम बचो व्यलीकम सुरवर यमन्यते करो मिरीतम तन्न भवेत प्रलंबनम पदम तृतीयम कुरुशीर्ष निमे निजम। आपने अभी बलि के ऐश्वर्य को धन को नापा है, धनी अभी बलि है, अपना तीसरा पग मेरे शीश के ऊपर रखिए। आज बलि धन्य हो गए, प्रभु ने तीसरा पग बलि के शीश के ऊपर रखा, वरुण पास में बांध दिया। ब्रह्मा जी आ गए, ब्रह्मा जी कहे कि महाराज कृपा कीजिए, जो आपके ऊपर 54 रुपया चढ़ा देता है, सड़ा हुआ बेर चढ़ा देता है, एक लोटा जल चढ़ा देता है तो आप खुश हो जाते हैं, बलि ने तो सब कुछ चढ़ा दिया। कहे कि मैं इसके ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। रक्षिसे सर्वतो हम त्वाम सानुगम सपरिक्षदम सदा सन्निहितम वीर तत्र माम रक्षते भवान। इसके ऊपर मैं इतना प्रसन्न हूँ, इसको बिना मांगे मैं दे रहा हूँ। इसने अपना ऐश्वर्य दिया है, अपना धन दिया है, आज के बाद से मैं अपने आप को ही बलि को समर्पित कर रहा हूँ। धन्य हुए आज बलि। भगवान ने कहा कि बलि सुतल लोक में जाओ प्रहलाद जी के साथ में, और वहाँ नित्यम दृष्टा सिमाम तत्र गदा पाणिर्मवस्थितम, वहां पर मैं 24 घंटा हाथ में लकुटी लिए, डंडा लिए, गदा लिए तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। प्रहलाद जी आ गए, प्रहलाद जी ने नेमम बिरिंचो लभते प्रसादम न श्री न सर्व किमता परेते यन्नो सुराणाम सि दुर्गपालो विश्वाभिवंद्य रिबंधितांग्री। महाराज ये कृपा प्रसाद आपने जो प्रदान किया, न लक्ष्मी को मिला, न ब्रह्मा को, न शंकर को, किसके दरवाजे पर आप चौकीदारी करते हैं? किसी के यहाँ नहीं। आ महाराज ये कृपा प्रसाद किसी को भी नहीं मिला जो हम असुरों को आज प्रदान किया। आप हमारे किलेदार चौकीदार प्रहरी बन करके, सेवक बन करके दरवाजे पर खड़े रहने का संकल्प लिया है। बलि सुतल लोक के लिए प्रस्थान किए। शुक्राचार्य जी से कहा कि ये यज्ञ पूरा कराइए, आज सोमरस का दिन है, 99 यज्ञ पूर्ण हो गया था, 100वें यज्ञ में ये विघ्न उपस्थित हुआ। भगवान ने कहा कि अगले मनमंतर में आप बलि इंद्र बनेंगे, मैं आपका सेवक बनूंगा, और तब तक आप सुतल लोक में रहिए। इस पावन चरित्र का जो श्रवण करता है उसके जीवन में धन धान की कमी नहीं आती है। आइए हम लोग एक भजन गाएं, हरि तुम बलि छलके का। हरि तुम बलि छलके का कीन्हो, बंधाए
भागवत भगवान की, यज्ञ भगवान की जय जय श्री राधे। अपने मध्य में हमारे श्री ओंकार दास जी महाराज हमारे बचपन के स्नेही हैं, प्रेमी हैं, महंत हैं। यही उघर गांव है, उघर के यहां पर पधारे हैं। हम चाहेंगे कि हमारे श्री सुदर्शन शरण जी उनका माल्यार्पण करके चादर उढ़ा करके स्वागत करें। चादर है क्या? और स्वनाम धन्य श्री प्रयागदास जी महाराज जो स्वयं तीर्थराज प्रयाग के निवासी हैं, हम लोगों के मध्य अनुग्रह करके यहाँ पर पधारे हुए हैं। हम चाहेंगे कि हमारे सुदर्शन शरण जी उनका भी माल्यार्पण करके उत्तरीय वस्त्र उड़ाकर स्वागत करें। चलो। अनंत श्री विभूषित श्रीमद् जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री शोभुराम देवाचार्य पीठाधीश्वर श्रीमत राधामोहन शरण देवाचार्य जी महाराज के पावन चरणों में नमन करते हुए आप सभी कथा श्रद्धालु भक्तों को हार्दिक अभिनंदन। जय श्री राधे राधे। श्री गिरिराज अन्य क्षेत्र गोवर्धन के सहायतार्थ श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन ग्राम बटौली तहसील सिरौंज जिला विदिशा मध्य प्रदेश में आयोजित हो रहा है। संस्कार चैनल के माध्यम से जिसका पूरे विश्व में प्रसारण किया जा रहा है। गिरिराज अन्य क्षेत्र गोवर्धन की पावन धरा, यदि भारत वर्ष में किन्हीं पर्वतों की मान्यता है जो प्रत्यक्ष ईश्वर स्वरूप बोले जाते हैं, तो एक तो चित्रकूट में कामदगिरी जी हैं, दूसरे ब्रज प्रांत में श्री गिरिराज महाराज हैं। बताया जाता है जब तक गिरिराज महाराज हैं, गंगा जी इस धरती पर हैं, तब तक कलयुग का पूर्ण आगमन नहीं होगा। ऐसे प्रत्यक्ष प्रकट ईश्वर के सानिध्य में महाराज श्री गिरिराज अन्य क्षेत्र परिक्रमा मार्ग में गिरिराज महाराज की पावन तलहटी में स्थित है। प्रतिदिन जहां संत वैष्णवों दीन दुखियों परिक्रमार्थियों की निशुल्क भोजन की व्यवस्था रहती है। निरंतर सन 2009 से लेकर के अभी तक ये सत्संकल्प चल रहा है और उसमें दान वीरों का सहयोग भी प्राप्त हो रहा है। महाराज श्री अपने जीवन सन 2098 से लेकर के सन 2011 तक 14 वर्ष तक मौन व्रत रह करके कठिन तपश्चर्या किए। पहले एक वृंदावन में ही आश्रम था, फिर जयपुर में बनाए, फिर गिरिराज महाराज में कुछ भक्तों के ट्रस्टियों की इच्छा हुई तो आप गिरिराज जी में बनाए 110 कमरे का विशाल आश्रम। वहां पर संत सेवा का विचार बना कि इतना बड़ा आश्रम बना है तो यहां संत सेवा भी होना चाहिए। स्वयं तो आप सत्तू खा करके रहते हैं, कभी भी न घी खाते हैं न दूध पीते हैं, मात्र सत्तू ही जिनका आहार है। किसी भी शिष्य से आज तक अपनी जूठी थाली नहीं मलवाए, कभी भी साबुन तेल नहीं लगाए। ऐसे पवित्र संत के सानिध्य में, ऐसे सतपात्र के सानिध्य में ये श्री गिरिराज अन्य क्षेत्र निरंतर सन 2009 से अब तक चल रहा है। पहले परिक्रमा मार्ग में सुबह बाल भोग बांटने की व्यवस्था और चाय बांटी जाती थी, सायंकालीन बेला में परिक्रमा मार्ग में पूरी सब्जी का वितरण किया जाता। जैसे जैसे इसमें भक्तों का संख्या बढ़ता गया, दानवीरों का, महाराज श्री व्यवस्थाओं को भी बढ़ाते गए। अब संतों को बैठा करके भोजन प्रसादी कराया जाता है, साथ में प्रतिदिन 10-10 रुपया दक्षिणा भी बांटा जाता है। ये नियम है कि यदि हम अपने घर पर अतिथि संत ब्राह्मण को खिला रहे हैं तो हमें दक्षिणा देना चाहिए, तभी वो सर्वोपांग पूर्ण होता है।
भंडारा और वही विधा महाराष्ट्री गिरिराज जी में अपनाए। अखंड 12 वर्ष के लिए रामचरितमानस का पाठ हो रहा है। नियम से प्रतिदिन हवन होता है, रुद्राभिषेक होता है, धर्म के सारे अंगों को मारा श्री गिरिराज अन्य क्षेत्र में धारण कर रखे हैं। एक बार मारा श्री बोले कि मैं इसको इतना मजबूत संस्था बना जाऊंगा कि हम रहे ना रहे ये चलता रहेगा। मैं सोचा कि 200-400 तो हमारे कुल शिष्य ही हैं, मारा श्री इतनी मजबूत कैसे बनाएंगे। मारा श्री कहे कि जब हमारा सत संकल्प है, यदि हम सतपथ पे चल रहे हैं, हम ये सेवा निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, तो ये गिरिराज महाराज पूरा करेंगे। और वो आज मैं देख रहा हूं कि ये सिद्ध संत की वाणी थी। कितने लोग गिरिराज अन्य क्षेत्र से जुड़ रहे हैं, ये गिरिराज महाराज की कृपा का दर्शन होता है वहां पर, और इन सिद्ध संत की वाणी का प्रभाव है कि आज ये कितनी मजबूत संस्था हो रही है कि हम रहे न रहे, महाराज श्री रहे न रहे, ये गिरिराज अन्य क्षेत्र निरंतर चलता रहेगा। जो आप 21,000 की राशि देते हैं गिरिराज अन्य क्षेत्र में, उसको फिक्स डिपॉजिट के रूप में जमा कराया जाता है। चाहे आप अपने नाम से देते हो, अपने माता पिता के नाम से, अपने बच्चों के नाम से। कई लोग तो ऐसे हैं गिरिराज अन्य क्षेत्र में जो हम सेवक समेत सुत नारी अपने नाती पोता बहन बेटी बच्चों के सबके नाम से उन्होंने गिरिराज अन्य क्षेत्र में 21,000 की राशि दिया। और बिन देखे नहीं, जाके पहले देखे हैं, देखने के बाद में वो लोग जुड़े हैं अपने रिश्तेदारों को परिवारों को। एक ये सिद्ध संत का संकल्प है, इतना पवित्र कार्य कि मात्र 21,000 की राशि में हमारे नाम से जीवन पर्यंत नहीं, हमारे मरणों उपरांत भी एक रोटी का वितरण होगा आपके नाम से। मात्र 21,000 की राशि में जीवन में करोड़ों कमाते हैं, करोड़ों खर्च करते हैं, मगर एक ऐसा पुनीत कार्य, एक ऐसे सतपात्र को, एक ऐसे पुण्य क्षेत्र में, एक ऐसे कार्य के लिए आप ये दान दे रहे हैं, ये अक्षय दान है, ये सात्विक दान है जो आप गिरिराज अन्य क्षेत्र में इन सिद्ध महापुरुष के द्वारा संतों की सेवा, वैष्णवों की सेवा, दिन दुखियों की जो सेवा आप कर रहे हैं, ये एक ऐसा धर्म रूपी वृक्ष आप अपने जीवन में लगाए हैं जो सदैव पूर्ण रूपी फल आपको देता रहेगा। तो हम सब लोग मिल करके इन सिद्ध संत के संकल्प के साथ जुड़ करके अपने नाम से या माता पिता के नाम से 21,000 की राशि दे करके गिरिराज अन्य क्षेत्र के आजीवन ट्रस्टी बने। राशि तो एक है मात्र 21,000, मगर वहां पर आप आजीवन सदस्य भी हैं उस संस्था के। 21,000 की राशि में कभी भी आप गोवर्धन पधारेंगे, साल में निशुल्क 3 दिन तक रुकने की आपकी व्यवस्था रहेगी। आपका दानवीरों की सूची में गिरिराज अन्य क्षेत्र में आपका नाम भी अंकित रहेगा। और रोटी तो आपके नाम का वितरण हो ही रहा है दिन दुखियों में, संतों में। तो ऐसे पवित्र कार्य में एक अधिकार के लिए, एक कृति के लिए और एक धर्म रूपी वृक्ष लगाने के लिए मात्र 21,000 की राशि दे करके उस पुण्य क्षेत्र में एक सिद्ध संत के सानिध्य में एक रोटी का वितरण का संकल्प लें। अयोध्या सप्तदायिनी मोक्ष पुरियों में से प्रथम पुरी अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, काची, अवंतिका, कल्पकोट काशी बसे, मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरयू बसे, तुले न तुलसी दास, ऐसी अवध का महिमा है। उत्तर में तो काकभुसुंड जी महाराज ने अवध का महिमा का इतना वर्णन किया है। उस अवध में महाराज श्री निम्बार्की परंपरा का मंदिर का निर्माण करा रहे हैं राधा कृष्ण का।
अभी तक वहां पर निम्बार्कीय परंपरा का कोई मंदिर नहीं था राधा कृष्ण का। तो महाराज श्री ने ये जब जगत गुरु आप नासिक में बने तो पहला संकल्प यही था कि अयोध्या में एक मंदिर का निर्माण करवाएंगे। और अभी पिछले 17 फरवरी को जिसका शिलान्यास समारोह हुआ, काम चल रहा है, उसमें भी एक भाव रहा कि जन जन का जुड़ाव हो, हर एक व्यक्ति उसमें अपना जुड़ाव माने उस संस्था से। जब आप अयोध्या जाएं तो ये मन में आए कि उस निम्बार्काचार्य पीठ में चले। जब महाराज श्री हमारे यहां सिरोंज में कथा करने के लिए आए थे तब हमने भी उस मंदिर के लिए कुछ योगदान दिया था। उसमें जन जन के जुड़ाव में एक व्यवस्था रखे कि 11,000 की राशि दे करके एक गज भूमि का आप अपने पूर्वजों का नाम उस अमर धरोहर में, उस अमर कृति में आप अंकित करा सकते हैं। 5,500 की राशि दे करके अपने माता पिता का नाम या अपना नाम, अपने बच्चों का नाम अंकित करा सकते हैं। वहां पर दानवीरों की सूची में, भूमि दान वीरों की सूची में आपका नाम अंकित रहेगा। कुछ नहीं तो एक ईंट का दान करें, ईंट के दान वालों का नाम तो नहीं रहेगा मगर वो भव्य इमारत, वो भव्य मंदिर उसी ईंट की बुनियाद पर खड़ी रहेगी। तो आप कहीं ना कहीं मात्र 1100 की राशि में उस मंदिर में आपका भी अस्तित्व रहेगा। तो महाराज श्री का जो संकल्प है, जन जन का जुड़ाव का भावना कि जो अयोध्या में निम्बार्काचार्य पीठ बना रहे हैं वो सब लोग उसको अपना माने, उस भावना को महाराज श्री के संकल्प के साथ अवध की पावन धरा पर अपना नाम अमर करने के लिए, अपने पूर्वजों का नाम अमर करने के लिए भूमि दान वीरों की सूची में मात्र 11,000 की राशि में आपकी नाम रहेगी। आधा गज भूमि की दान की राशि 5,500 रुपए रखी गई है। गीता अध्याय के लेखन के लिए 51,000 की राशि रखी गई है। कमरा निर्माण कराने के लिए 3.5 लाख की राशि रखी गई है। तो जिस विधि से हो उस अयोध्या की पावन धरा पर एक गज भूमि देकर के, आधा गज भूमि देकर के उस अमर धरोहर में, उस अमर कृति में एक सिद्ध संत के संकल्प के साथ हम लोग जुड़ करके अपना नाम अमर कर ले। और महाराज श्री अधिक मास के पावन अवसर पर 3 जून से लेकर के 10 जून तक भगवान रामेश्वर के पावन चरणों में जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, सप्तदायिनी मोक्षपुरियों में से एक है, अधिक मास के पावन अवसर पर वहां भागवत कथा करने के लिए जा रहे हैं। तो जिन लोगों को वहां भागवत कथा श्रवण करने के लिए चलना है वो लोग अपना नाम लिखा सकते हैं। जो लोग यहाँ बैठे हैं या जो लोग संस्कार चैनल के माध्यम से ये भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं वहां कुछ राशि रखी गई है। यदि एक कमरे में 4 लोग रुकते हैं तो 51,100 रुपए की राशि है। यदि 2 लोग रुकते हैं तो 71,100 की राशि है। यदि आप एसी कमरा लेंगे तो 95,95,100 की राशि है। 2 लोग रुकेंगे उसमें आपको 10 दिन का रुकने का व्यवस्था, भोजन का व्यवस्था और यद किंचित भागवत जी का भी उसमें सहयोग रहेगा। तो जिन लोगों को रामेश्वरम में भागवत कथा श्रवण करने के लिए चलना है वो लोग अपना नाम लिखा सकते हैं। पितृ पक्ष के पावन अवसर पर अलखनंदा जी के पावन तट पर नर नारायण भगवान के पावन चरणों में महाराज श्री भागवत कथा करने के लिए जा रहे हैं। पहले भी बताया हूं कि पितृ पक्ष में पितरों की कपाल क्रिया बद्रीनाथ अलखनंदा जी के पावन तट पर संपादित किया जाता है। तो जो लोग अपने पितरों का कपाल क्रिया नहीं किए उन्हें बद्रीनाथ में चलना चाहिए, वहां चल करके पितरों की शांति के लिए कपाल क्रिया करना चाहिए और वहां पर नर नारायण भगवान के चरणों में बैठ करके महाराज श्री के श्रीमुख से भागवत कथा भी सुनेंगे, बद्री विशाल भगवान का दर्शन भी करेंगे। सुक्रताल जहां पर प्रथम भागवत कथा राजर्षि परीक्षित जी को ब्रह्मर्षि सुखदेव जी महाराज ने ये कथा श्रवण कराया है गंगा जी के पावन तट पर। तो महाराज श्री सुक्रताल में 25
नवंबर से 2 अक्टूबर तक श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराने जा रहे हैं। तो जो लोग सुकृताल नहीं गए हैं या महाराज श्री के कथा श्रवण करने के इच्छुक हों, जो लोग यहां बैठे हैं या जो लोग संस्कार चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, वो लोग अपना नाम लिखा सकते हैं और महाराज श्री के साथ कथा श्रवण करने के लिए चल सकते हैं। 15 जून से लेकर के 22 जून तक महाराज श्री भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार हेतु विदेशी धरा पर सिंगापुर, इंडोनेशिया बाली, हांगकांग, सेंजेन चाइना में भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति के प्रचार प्रसार हेतु जा रहे हैं। तो जो लोग विदेश के भ्रमण के इच्छुक हैं, संत के संग अपनी संस्कृति के प्रचार प्रसार के इच्छुक हैं, वो लोग अपना नाम लिखा सकते हैं और महाराज श्री के साथ विदेश यात्रा में 2 दिन सिंगापुर, 3 दिन बाली, 2 दिन हांगकांग, 1 दिन सेंजेन का यात्रा रहेगा। वो लोग महाराज श्री के साथ चल के वहां भी महाराज श्री के श्रीमुख से हमें सत्संग लाभ प्राप्त होगा। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। जहां संत होते हैं वहां पर हरि चर्चा अवश्य होती है। तो ऐसे सिद्ध संत के साथ हम लोग चल करके अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार हेतु आप चल सकते हैं, अपना नाम लिखा सकते हैं। संस्कार चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर मोबाइल नंबर चल रहे हैं, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राधे। और जिन दानवीरों ने आज संस्कार चैनल देखते हुए गिरिराज अन्य क्षेत्र में अपना योगदान दिए हैं, आशा देवी सूरत गुजरात से हैं, आप संस्कार चैनल देखते हुए गिरिराज अन्य क्षेत्र के आजीवन सदस्य बन रहे हैं, संस्कार चैनल के माध्यम से आपका स्वागत किया जा रहा है। व्यास जी महाराज की ओर से आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं। आनंद पाल सिंह अलीगढ़ यूपी से है महानुभाव, आप भी गिरिराज अन्य क्षेत्र के आजीवन सदस्य बन रहे हैं आनंद पाल जी, संस्कार चैनल के माध्यम से आपका स्वागत किया जा रहा है। व्यास जी महाराज की ओर से ढेरों सारी शुभकामनाएं। श्रीमती कमला सैनी सैनिक कॉलोनी फरीदाबाद से हैं, आप भी गिरिराज अन्य क्षेत्र के आजीवन सदस्य बन रही हैं, संस्कार चैनल के माध्यम से आपका स्वागत किया जा रहा है। व्यास जी महाराज की ओर से ढेरों सारी शुभकामनाएं। श्याम सुंदर धिंगरा नई दिल्ली से एवं श्रीमती शोभा रानी धिंगरा तिलक नगर नई दिल्ली से, आप दोनों पति पत्नी गिरिराज अन्य क्षेत्र के आजीवन सदस्य बन रहे हैं, संस्कार चैनल के माध्यम से आपका स्वागत किया जा रहा है। व्यास जी महाराज की ओर से ढेरों सारी शुभकामनाएं। श्रीमती राजेश्वरी देवी बिष्ट वाइफ ऑफ स्वर्गीय धन सिंह बिष्ट लक्ष्मीबाई नगर नई दिल्ली से हैं, आप भी गिरिराज अन्य क्षेत्र के आजीवन सदस्य बन रहे हैं, आपका भी संस्कार चैनल के माध्यम से स्वागत किया जा रहा है। व्यास जी महाराज की ओर से आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं। किशोर प्रभाकर बानी जलगांव महाराष्ट्र से हैं, आप गिरिराज अन्य क्षेत्र के आजीवन सदस्य बन रहे हैं, संस्कार चैनल के माध्यम से आपका स्वागत किया जा रहा है। व्यास जी महाराज की ओर से ढेरों सारी शुभकामनाएं। दुर्गावती वाइफ ऑफ गुलाब चंद मिश्रा मुंबई से हैं, आप भी गिरिराज अन्य क्षेत्र के आजीवन सदस्य बन रहे हैं, संस्कार चैनल के माध्यम से आपका स्वागत किया जा रहा है। व्यास जी महाराज की ओर से ढेरों सारी शुभकामनाएं। शांति राय पुत्र सुनील राय खार मुंबई से हैं, आप भी गिरिराज अन्य क्षेत्र के आजीवन सदस्य बन रहे हैं, संस्कार चैनल के माध्यम से आपका स्वागत किया जा रहा है। व्यास जी महाराज की ओर से आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं। श्री भंवरलाल कुलवाल सन ऑफ श्यामलाल जी कुलवाल प्रवासी नगर मुरलीपुरा जयपुर से हैं, आप गिरिराज अन्य क्षेत्र में 21,000 की राशि दे रहे हैं। और अयोध्या के लिए संतोष देवी कुलवाल वाइफ ऑफ भंवरलाल जी कुलवाल 1 गज भूमि का दान दे रहे हैं। और अपने माता पिता के नाम से श्यामलाल जी कुलवाल सनफ भगवान सहाय जी कुलवाल प्रवासी नगर मुरलीपुरा जयपुर से हैं, आप 2 गज भूमि का दान दे रहे हैं और गिरिराज अन्य क्षेत्र में 21,000 की राशि देने का संकल्प लिए हैं। इन दानवीर के लिए एक बार हम जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, आपका संस्कार चैनल के माध्यम से स्वागत किया जा रहा है। जगजीत मलिक सनफ बलवंत सिंह जुलाना मंडी जिंद हरियाणा से हैं महानुभाव, आप गिरिराज अन्य क्षेत्र के आजीवन सदस्य बन रहे हैं, संस्कार चैनल के माध्यम से आपका स्वागत किया जा रहा है। स्वर्गीय श्री मुन्नालाल चौधरी माता गोहता देवी चौधरी के पुण्य स्मृति में मुरलीधर जी कलकत्ता से, आप गिरिराज अन्य क्षेत्र के आजीवन सदस्य बन रहे हैं, आपका संस्कार चैनल के माध्यम से स्वागत किया जा रहा है। व्यास जी महाराज की ओर से आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं। 11,000 की राशि माता प्रसाद उपाध्याय
मिल्की ज्ञानपुर भदोही उत्तर प्रदेश से हैं आप, एक गजभूमि का दान दे रहे हैं अयोध्या के लिए। आपका संस्कार चैनल के माध्यम से स्वागत किया जा रहा है। व्यास जी महाराज की ओर से ढेरों सारी शुभकामनाएं। बजरंग सिंह राज पुरोहित, सनफ भारत सिंह राज पुरोहित बड़ौदा गुजरात से हैं आप, गिरिराज अन्य क्षेत्र का जीवन सदस्य बन रहे हैं। संस्कार चैनल के माध्यम से आपका स्वागत किया जा रहा है। व्यास जी महाराज की ओर से आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं। मिथिलेश मानसरोवर गार्डन जयपुर से हैं आप, गिरिराज अन्य क्षेत्र के आजीवन सदस्य बन रहे मिथिलेश जी, संस्कार चैनल के माध्यम से आपका स्वागत किया जा रहा है। व्यास जी महाराज की ओर से आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं। विजय कटारिया गुड़गावा हरियाणा से हैं, ये 11,000 की राशि पौधा रोपण के लिए, कहती हैं कि हमने इस प्राकृतिक का बहुत ऑक्सीजन खाया है पिया है, इसलिए पौधा लगाने के लिए इन्होंने 11,000 की राशि, पूर्व में ये 51,000 की राशि गीता अध्याय लेखन के लिए दी हैं, 11,000 अयोध्या में भूमि दान के लिए दी हैं, 21,000 की राशि गिरिराज अन्य क्षेत्र के लिए दी हैं, और आज ये पौधों के लिए वृक्षरोपण के लिए 11,000 की राशि दे रहे हैं। आपका संस्कार चैनल के माध्यम से स्वागत किया जा रहा है। व्यास जी महाराज की ओर से ढेरों सारी शुभकामनाएं। कुलदीप शर्मा सोनिया बिहार दिल्ली से हैं आप, भी गिरिराज अन्य क्षेत्र के आजीवन सदस्य बन रहे हैं। संस्कार चैनल के माध्यम से आपका स्वागत किया जा रहा है। व्यास जी महाराज की ओर से आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं। श्रीमती उषा सिन्हा जमशेदपुर झारखंड से हैं आप, भी गिरिराज अन्य क्षेत्र के आजीवन सदस्य बन रहे हैं। आपका भी संस्कार चैनल के माध्यम से स्वागत किया जा रहा है। व्यास जी महाराज की ओर से ढेरों सारी शुभकामनाएं। स्वर्गीय दीपचंद लावनिया नया बाग अछनेरा आगरा से हैं आप, भी गिरिराज अन्य क्षेत्र के आजीवन सदस्य बन रहे हैं। संस्कार चैनल के माध्यम से आपका स्वागत किया जा रहा है। व्यास जी महाराज की ओर से ढेरों सारी शुभकामनाएं। सुनीता श्रीवास्तव अनीता श्रीवास्तव राम स्वरूप जी का पंडाल रमणरेती वृंदावन मथुरा से आप, भी गिरिराज अन्य क्षेत्र के आजीवन सदस्य बन रही हैं। सुनीता जी श्रीवास्तव अनीता जी आपका भी संस्कार चैनल के माध्यम से स्वागत किया जा रहा है। व्यास जी महाराज की ओर से आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं। बंसीलाल शांताबाई अग्रवाल फतेह नगर उदयपुर राजस्थान से हैं आप, भी गिरिराज अन्य क्षेत्र के आजीवन सदस्य बन रहे हैं। संस्कार चैनल के माध्यम से आपका स्वागत किया जा रहा है। व्यास जी महाराज की ओर से ढेरों सारी शुभकामनाएं। जो रामेश्वरम में भागवत कथा हो रही उसके प्रधान यजमान श्री सोनी जी हैदराबाद से हैं। बद्रीनाथ में जो कथा हो रही है महाराज श्री की पितृपक्ष में, वहां पर श्री गोपाल लाल जी शर्मा देवी नगर सोडाला जयपुर से हैं। सुक्रताल में जो कथा हो रही है उसके प्रधान यजमान कुंज बिहारी जी लश्करी सोडाला जयपुर से हैं। और तृप्ति बालाजी में बद्री नारायण जी दतिया में 1 मई से लेकर के 8 मई तक महाराज श्री की अभी दतिया में कथा होने जा रही है, जिसके प्रधान यजमान बद्री जी समाधिया हैं। और जो सुक्रताल में वहां पर तृप्ति बालाजी में 24 मई से लेकर के 30 मई तक महाराज श्री की भागवत कथा होने जा रही है, वहां पे प्रधान यजमान के रूप में, प्रधान यजमान का अकेले ही यजमान है श्री राधे श्याम जी लोहिया, ये कथा करा रहे हैं। उन सभी यजमानों को भागवत भगवान की ओर से, व्यास जी महाराज की ओर से ढेरों सारी शुभकामनाएं। और हमारे बीच हमारे जाने माने महाराज श्री के अनन्य स्नेही प्रेमी भक्त और हमारे कुरवाई के जनपद अध्यक्ष श्री प्रेम नारायण जी तिवारी आप यहां उपस्थित हैं। जब महाराज श्री आशाखेड़ी में भी यज्ञ कर रहे थे तब भी आप एक दिन का भंडारा दिए थे महाराज, और यहां पर भी आज बाल भोग का व्यवस्था किए हमारे जनपद जी अध्यक्ष जी तिवारी जी। और प्रति साल ये गिरिराज अन्य क्षेत्र में 1 क्विंटल की गेहूं की भी सेवा दिए हैं, देते रह रहे हैं, और भंडारा भी है आपका एक दिन इस यज्ञ में। जोरदार तालियों के साथ में ऐसे दानवीर का स्वागत करें। पंडित जी हैं हमारे, तो एक बार आप मंच पर पधारे। मैं हरि सिंह जी से चाहूंगा कि हमारे प्रेम नारायण महाराज का आप आकर के स्वागत करें हमारे अध्यक्ष महोदय का। आज शाम का भंडारा पटवारी संघ की तरफ से श्री सुनील जी यादव साहब भी उपस्थित हैं।
आप भी महानुभाव कृपया यहां मंच पर पधारें। कमर सिंह जी दांगी उपाध्यक्ष जनपद कुरवाई, आप भी यहां पधारे हुए हैं। और जिन लोगों को गिरिराज अन्य क्षेत्र में एक सिद्ध संत के संकल्प में अपने नाम से एक रोटी का वितरण कराना है, गिरिराज जी के पावन सानिध्य में, गिरिराज महाराज की पावन तलहटी में वो लोग अपना नाम लिखा सकते हैं। कल पुनः सायं 5 बजे आप दानवीरों का नाम इस मंच से घोषणा होगा, दानवीरों का स्वागत होगा, तो आप लोग अपना नाम लिखा करके गिरिराज अन्य क्षेत्र में एक रोटी का वितरण का संकल्प लें। और आज नंदोत्सव है, आज से उत्सव के दिन प्रारंभ होते हैं। आज से भागवत कथा में उपाध्यक्ष कमर सिंह जी हमारे कुरवाई जनपद के उपाध्यक्ष हैं, आप भी यहां पधारे हुए हैं, हमारे हरि सिंह जी उनका भी स्वागत कर रहे हैं। आज से उत्सव के दिन प्रारंभ हो रहे हैं और हमारे श्री घनश्याम शरण जी त्यागी, ये तो जहां भी बनता है, गोवर्धन में भी एक कमरा बनाए हैं हमारे त्यागी जी, बहुत त्यागी हैं, नाम त्यागी नहीं है, काम भी त्यागी का है, तो ये गोवर्धन में भी एक कमरे का निर्माण करवाए हैं, अयोध्या में भी, भविष्य में हो सकता है कि भटौली में भी हो और हरिद्वार में भी हो, तो ये तो हरिद्वार के लिए तो शायद आपने घोषणा कर दिए हैं कि 5 लाख की राशि, इनकम टैक्स का छापाना पड़ेगा, 5 लाख की राशि आप जब हरिद्वार में महाराज श्री बनाएंगे तो वहां के लिए देंगे आप, तो ऐसे दानवीर का स्वयं महाराज श्री स्वाफा पहना करके पटका उड़ा करके स्वागत कर रहे हैं और इनके द्वारा ऐसे ही उदार कृत होते रहे, ऐसे ही उदार त्यागी बने रहे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप लोग प्रतिदिन गोवर्धन में अन्य क्षेत्र के संबंध में सुन रहे हैं, जो 21,000 की राशि है ना, त्रिसप्त भी पिता पूतः पितृ भी सहते नघ यत साधुस्य गृहे जातो भवान वही कुल पावन। वो 21,000 की राशि आपके 21 पीढ़ियों का, यानी 1,000 की राशि एक पीढ़ी का काम, 21 पीढ़ी 21,000 का काम, बहुत छोटी सी राशि और ऐसा अमित अमित अनंत शाश्वत पुण्य जो कभी समाप्त नहीं होगा। आप बहुत से धन छोड़ करके जाएंगे, आपका बेटा आपके नाम से पता नहीं रोटी का वितरण करवाए या न करवाए, लेकिन गिरिराज अन्य क्षेत्र जरूर करवाएगा, इसलिए उसमें सदस्य जन जरूर बने। और जो विशेष लाभ है कि उस संस्था के साथ आपका एक जुड़ाव हो जाएगा, कोई कार्यक्रम होगा तो आपके यहाँ चिट्ठी पत्री आएगी, प्रोग्राम होगा, कोई मीटिंग होगी तो आपके यहाँ आना जाना बना रहेगा और मेरे साथ भी आपका संबंध बना रहेगा, इसलिए उस कृत्य में आप जरूर सहयोगी सहभागी बने। जय जय श्री राधे। अभी हम लोग बामन चरित्र का श्रवण कर रहे थे, बलि बामन चरित्र का श्रवण कर रहे थे। अष्टम स्कंध में 1 अध्याय में मत्स्यावतार की कथा है, हम लोग 9 स्कंध में प्रवेश करते हैं। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न किया, मनमंत्राणि सर्वाणि त्वयोक्तानि श्रुतानि मे बिर्यान जनंत बिर्यस
हरिस्तत्र कृतानि च ये भूता ये भविष्याश्च भवन्ति यद्यतनाश्च तेषां नः पुण्यकीर्तीनां सर्वेषां बदविक्रमान्। अष्टम स्कंध में आपने मनवंतरों का, मनवंतरों के अधिपतियों का, अवतारों का विस्तार के साथ वर्णन किया। अब मैं मनु के वंश में जन्म लेने वाले जितने नृपति हैं, महत जन हैं, उनके पावन चरित्र का मैं श्रवण करना चाहता हूं। श्रूयताम मानवो वंश प्राचुर्येण परम तप न शक्यते विस्तर तो वक्तुम वर्षा सतैरपि। मनु के वंश में इतने नृपति, इतने महान पुरुष हो गए हैं, यदि विस्तार के साथ वर्णन करें तो सैकड़ों वर्षों में भी संभव नहीं है, इसलिए मैं संक्षेप में वर्णन करता हूं। मनु जी के 10 पुत्र थे, इक्ष्वाकु निर्गसर याति दिष्टा धृष्टा करुषकान नरिष्यंतम प्रसद्रम च नभगम च कविम विभो। इक्ष्वाकु निर्गे सर्याति दिष्ट धृष्ट करुष्कान नरिष्यंत प्रसद्ध नभग और कवि। नभगा नभग पत्यम यम ततम भ्रातरह कविम यविष्टम व्य भजन दायम ब्रह्मचारिणमागतम। नाभागो नभगापत्यम यम ततम भ्रातरह कविम। नाभाग नभग नभग के हुए नाभाग और नाभाग के पुत्र हुए अम्बरीश। ना अस्पृशद ब्रह्म सापोपी यमुना प्रतिहत क्वचित। इन अम्बरीश जी के लिए कहा जाता है कि इनके पास जो दुरत्यय ब्रह्मदंड है वो भी जाकर के निष्फल हो गया। न प्राभूत यत्र निर्मुक्तो ब्रह्म दंडो दुरत्य। सप्ता द्वीपाधिपतियो सातो द्वीपों के अम्बरीशो महाभाग सप्ता द्वीपावतिम महिम। सातो द्वीपों के अधिपति थे, सातो द्वीपों के चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन प्राप्तो भावम परम विश्वम ये नेदम लुष्टवत अस्मृतम। लेकिन इनके लिए कहा जाता है कि चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी धन को, द्रव्य को, ये सोने को पत्थर के समान, मिट्टी के तुल्य मानते थे। ये सदैव सवई मनः कृष्ण पदार बिंदयोर बचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर मंदर माजना मार्जनादिषु श्रुतिम चकारा सुत कथ कथोदय। इनका मन, इनकी वाणी, इनका हाथ, इनका पांव, इनका शरीर, इनका नेत्र, इनका कान सदैव भगवत कार्य में ही लगा रहता था। सबई मनः कृष्ण पदारविंदयोर वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकारा चुत सत कथोदय। कान हमेशा प्रभु का पावन चरित्र सुनता, जिह्वा सदैव प्रभु की पावन कीर्ति का गान करती, हाथ प्रभु की सेवा में, पांव प्रभु की सेवा में लगा रहता था। संपूर्ण शरीर इनके लिए यस्य कर्तुष गिरवाणि सदस्य ऋत्विजो जनहा तुल्य रूपाश्चा निमिषा व्यदृशंत सुभाष। इनके लिए कहा जाता है कि इनकी पलकें नहीं गिरती थी, जैसे देवताओं की पलकें नहीं गिरती हैं वैसे ही इनकी पलकें भी नहीं गिरती थी। इनके अंदर देवत्व का आविर्भाव हो गया था। ये संपूर्ण संसार के आसक्तियों का गृहे सुदारे सुसुते सुबंधुषु दीपोतम चंदन बाजपत्तिषु अक्षय रत्ना भरणायुधादि स्वानंत कोशेश्व करोद सनमति। हाथी घोड़ा राज कोष खजाना सबसे मन को मोड़कर भगवान की ओर लगा दिए थे, इसलिए तस्माद् अदाथरिश्चक्रम प्रत्यानिक भयावहम। इसलिए ये
सुरक्षित रहें, इसके लिए भगवान श्री हरि ने अपने भक्त अम्बरीश की रक्षा के लिए चक्र सुदर्शन नियुक्त कर दिया था। एक बार ये एकादशी प्रधान द्वादशी प्रधान एकादशी का अनुष्ठान किए, दधारा द्वादशी व्रतम, अपने पत्नी के साथ मिलकर के एक वर्ष पूर्ण हो गया। एक वर्ष पूर्ण हो गया, ये ब्राह्मणों को बुलाए, दान दक्षिणा दिए, खिलाए पिलाए और स्वयं पारण करने के लिए बैठे। उसी समय दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी से भी निवेदन किया कि आप भी पारण कीजिए। दुर्वासा जी ने कहा कि संध्या करके आ रहे, संध्या करने के लिए चले गए। अब समय बीतने लगा, द्वादशी तिथि बीतने लगी। यदि द्वादशी तिथि में पारण नहीं करते हैं तो व्रतभंग माना जाएगा, और बिना ब्राह्मण को अतिथि को मैंने आमंत्रित किया उनको पारण कराए बिना पारण कर लेते हैं तो ये पाप लगेगा। अब क्या करें, मुहूर्तार्धा अवशिष्टायाम द्वादश्याम पारणम प्रति चिंत्यामास धर्मज्ञो द्विजस्तत् धर्म संकट। तब ये सब ब्राह्मणों को बुलाए और कहे कि अब क्या किया जाए। ब्राह्मणों ने निर्णय दिया, अम्बसा केवले नाथ करिसे व्रत पारणम, केवल जल पी करके पारण कर लीजिए, जल पान कर लेना भोजन भी माना जाता है और नहीं भी माना जाता है, शास्त्रों में ये दोनों बात। इन्होंने जल पी लिया। इतनी देर में दुर्वासा जी आए, दुर्वासा जी को पता पड़ा। दुर्वासा जी ने कृत्या को उत्पन्न किया और कहा कि इस पाखंडी अम्बरीश को मार डालो। कृत्या मारने के लिए गई तो जो भगवान का सुदर्शन चक्र इनकी सेवा में नियुक्त था उसने कृत्या को जला करके नष्ट कर दिया। तद अभी द्रवत उद्विच्छा स्वप्रयासम च निष्फलम, दुर्वासा दुद्रवे भी तो दिक्षु प्राण परिप्सया। कृत्या को जलाकर नष्ट किया, फिर दुर्वासा जी के पीछे चला। अब दुर्वासा जी का शरीर जलने लगा, भागने लगे, भागते भागते ब्रह्मलोक में गए। रक्षा कीजिए किसे, भगवान के चक्र से। ब्रह्मा जी ने कहा कि भागो भागो भागो, मैं रक्षा नहीं कर सकता। अब वो शंकर जी के यहाँ गए, शंकर जी से कहा मैं आपका अंश हूँ, रक्षा कीजिए किसे, भगवान के चक्र से। ना ना ना, ना चलो चलो भगो यहाँ से, भगो भगो। अब कहाँ जाए, अरे जिसका चक्र है तमेव शरणम याहि हरिस्तेषम विधास्यति, जिसका चक्र है उसी के पास जाओ। अब भगवान नारायण के पास में आए, भगवान विष्णु के पास में आए, अजानता अनजान में मैंने आपकी भक्त का अपराध कर दिया, आप अब अजानता ते परमानुभावम कृतम मयाघम भवतः प्रियाणा विधेहि तस्या पचितिम विधात यन्नाम्ना युदिते नारकुपी मुच्चित यन्नाम्ना। भगवान मैंने आपके भक्त का अपराध किया है, आप कृपा कीजिए, आपका नाम लेने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, कृपा कीजिए। भगवान ने मना कर दिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों महाराज, चक्र तो आपका है, इससे रक्षा कीजिए, बचाइए, मैं जल रहा हूँ, मेरा चक्र नहीं है, इस चक्र को मैंने गिरवी रख दिया है अम्बरीश के पास। महाराज आप सर्वसमर्थ हैं, आप रक्षा नहीं कर सकते। ना ना ना, अहम भक्ता पराधीनो, ये भगवान की अमर वाणी। भगवान कह रहे हम भक्ता पराधीनो या स्वतंत्र इव द्विजा साधु भीर ग्रस्त हृदयो भक्तेर भक्त जनप्रिय। मैं तो पराधीन हूं और पराधीन क्या रक्षा करेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। यदि आप शांति चाहते हैं तो उन्हीं अम्बरीश के पास जाइए, और वहां से चल करके दौड़े दौड़े अम्बरीश के पास में आए, चरण पकड़ लिया, रक्षा कीजिए। यदि नो भगवान प्रीतः एक सर्वगुणाश्रिय सर्वभूतात्म भावेन द्विजो भवतु विज्वरः। अब उन्होंने नमः सुना भाखिल धर्म से तबे उस चक्र से प्रार्थना किया, यदि हमारे ऊपर भगवान प्रसन्न है और संपूर्ण भूत प्राणियों में मैं अपने आत्मा को देखता हूँ, परमात्मा को देखता हूँ, तो हे चक्र भगवान शांत हो जाइए। चक्र भगवान शांत हो गए और फिर अम्बरीश जी ने पारण कराया, दुर्वासा जी को स्वयं पारण किए। एक वर्ष तक दुर्वासा जी भगे थे और एक वर्ष तक अम्बरीश जी खड़े रहे थे उनके प्रतीक्षा में। आज पारण करा कि पारण किए, अब दुर्वासा जी ने कह दिया अहो अनंत दासाना महत्वम दृष्ट मध्य में
कृतागसोप यदराजन मंगलानी समीह से। आज मैंने भगवान के भक्तों का प्रभाव देखा है, इनके स्वरूप को स्वभाव को जाना है। मैं अमंगल करना चाहता था लेकिन ये हमारे मंगल के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इक्ष्वाकु के वंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए, युवनाश हुए, मानधाता हुए, आगे चल करके हरिश्चंद्र हुए, रोहित हुए, सगर हुए, उसके पश्चात खटवांगा दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् पृथुसर्वाहा अजस्ततो महाराजस्तस्मात् दशरथो भवत्। खटवांग हुए, खटवांग के दीर्घबाहु हुए, दीर्घबाहु के रघु हुए, रघु के अज हुए, और अज के महाभाग दशरथ जी हुए। दशरथ की तीन पत्नियां थी लेकिन कोई पुत्र नहीं था। पुत्रेष्ट यज्ञ हुआ, उसमें अग्निदेव चरु लेकर प्रकट हुए, यथा योग्य रानियों में वितरण किया गया। तीनों रानियां गर्भवती हुई और चैत्र मास आया, शुक्ल पक्ष आया, नवमी तिथि आई, अभिजित मुहूर्त आया। उस अभिजित मुहूर्त में कौशल्या के गर्भ से परात पर प्रभु श्री हरि प्रकट हुए भय। प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महारानी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी, भूषण वन माला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। कह दुई कर जोड़ी अस्तुति तोरी के विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञाना तीत रमाना वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जिहिगा वही श्रुति संता। सोम महित रागी जनु अनुरागी भयउ प्रगट श्री कंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे, ममूर तो बासी अहे उपहासी धीर मत धीर न रहे। उपजा जप ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे, कहे कथा तुहाई मात बुझाई जय प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पुनि बोली सो मति डोली तजहु तात यह रूपा, जे शिशु लीला अति प्रिय सीला यह सुख परम अनुपा। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। जह चरित जगावे हर पद पावे सेना बरह भव गूपा। वे प्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवता, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपा। भगवान की गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो व्यचर धनुबनम पद्म पदभ्याम प्रियायाः पाणि अस्पृशाक्षमाभ्याम मृजित पथ रुजो यो हरिंद्रानुजाभ्याम वैरूप्या चुरपणाख्याः प्रिय विरह रुषारोपिता भ्रु बीजृंभ त्रस्ताब्धिर्बद्ध सेतु खलदवदहनः कौशलेन्द्रोवतन्नः। कौशल्या के गर्भ से प्रात पर प्रभु श्री राम, कैकेयी के गर्भ से भरत, सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न, चार पुत्रों का जन्म हुआ। धीरे धीरे दोनों चारों बालक बड़े हुए। वनाश्रम में विश्वामित्र नाम के ऋषि रहते थे, उनके यज्ञादि के अवसर पर ताड़ का सुबाहु मारिच बाधा उपस्थित करते थे। वो जान चुके थे कि परात पर प्रभु का अवतरण अवध धाम में हो चुका है। अवध में आए और दशरथ जी से राम लक्ष्मण की याचना की। यज्ञ पुरुष हैं ये, यज्ञ की रक्षा के लिए ही तो अवतरित हुए हैं, धर्म की रक्षा के लिए ही तो अवतार लिए हैं। वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को प्रेरित किया, दशरथ जी ने राम लक्ष्मण को दिया। राम लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र जी वनाश्रम में आए।
भगवान श्री राम ने ताड़ुका का वध किया, सुबाहु का वध किया, मारीच को बिना फर का बाण मारकर समुद्र के किनारे भेज दिया, यज्ञ की रक्षा हुई। विश्वामित्र के साथ भगवान श्री राम लक्ष्मण जनकपुर के लिए प्रस्थान किए। मार्ग में गौतम नारी अहिल्या का उद्धार किया, जनकपुर पहुँचे, शिव धनुष को तोड़ा, जनक नंदनी सीता के साथ विवाह हुआ। अवध में सूचना दी गई, अवध से बारात गया। अब दशरथ जी महाराज बारात लेकर के आए, वहाँ पर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सबका विवाह हुआ। भगवान श्री राम लौट करके अवध में आए। दशरथ जी ने भगवान श्री राम को राजपद देना चाहा, लेकिन देवताओं ने विघ्न डाला, सरस्वती को भेजा। सरस्वती ने मंथरा के बुद्धि को परिवर्तित किया, मंथरा ने कैकेयी को सिखाया, कुटिल उपदेश दिया। कैकेयी ने तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। देहु एक बार भरत टीका, एक वर्ष ही भरत को राज्य तिलक और दूसरे से राम को वनवास। भगवान श्री राम वनवासी बने, सुमंत जी लेकर के गए। भगवान श्री राम सुरसरी को पार करके चित्रकूट में अपना आश्रय स्थल बनाया। सुमंत जी लौट करके आए, जब पता पड़ा कि भगवान श्री राम चले गए, दशरथ जी को अत्यंत दुख हुआ। पुष्टि भक्त थे, भगवान के विरह को सह नहीं सके, उन्होंने प्राण का परित्याग किया। ननिहाल से भरत जी बुलाए गए, भरत जी ने दशरथ जी की अंत्येष्टि क्रिया की और स्वयं राम जी को मनाने के लिए चतुरंगणी सेना के साथ चित्रकूट पधारे। दिव्य मिलन हुआ, अंत में भगवान ने समझाया और भरत जी को अपनी पादुका प्रदान की। उस पादुका को लेकर के आए, अवध के सिंहासन पर स्थापित किया। उधर भगवान श्री राम चित्रकूट से चल करके और पहुँचे, चित्रकूट से दंडकारण्य में, दंडकारण्य में सूर्पणखा आई, भगवान श्री राम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा उसने। भगवान श्री राम ने, दो मिनट बैठा लो, कहीं बैठा लो, यहाँ बैठा लो। भगवान श्री राम ने सूर्पणखा को नाग कान से विहीन किया, उसने खरदूषण को सूचना दी, खरदूषण आया। भगवान श्री राम ने खरदूषण का उद्धार किया। सूर्पणखा रावण के पास में गई, रावण मारीच को कनक मृग बनाकर जनक नंदिनी सीता का अपहरण किया। भगवान श्री राम मृगवध के बाद आए, कुटिया सुनी थी, सीता अन्वेषण के लिए रूति तड़पते निकल पड़े। जटायु ने संदेश दिया, भगवान ने जटायु की अंत्येष्टि क्रिया की, आगे चले। सबरी के आश्रम पर पहुंचे, नवधा भक्ति का उपदेश दिया, वहां से वहां पर नवधा भक्ति का, नवधा भक्ति का उपदेश दिया। वहां से भगवान पंपा सरोवर आए, सुग्रीव के साथ मित्रता हुई। बंदरों की सेना ने सीता अन्वेषण के लिए खोज प्रारंभ की। हनुमान जी सेतु को, समुद्र को पार करके लंका में पहुंचे, जगत जननी सीता को देखा, रावण की लंका जलाई, लौट करके आए। भगवान ने सेतु का निर्माण किया और लंका पहुंचकर रावण आदि दुष्टों का संहार किया, जनक नंदिनी सीता के साथ अवध लौट करके आए। आज 14 वर्षों के पश्चात राम राज्य की स्थापना हुई। राम राज्य में नाधि व्याधि जरा ग्लानि दुख शोक भयक्लमः मृत्युश्चा निक्षताम नासित रामे राजन यथोक्षजे। राम राज्य में किसी को आधि व्याधि नहीं आती थी, जरा ग्लानी नहीं होती, कोई बूढ़ा नहीं होता था, और जिसकी जब इच्छा होती थी तब मृत्यु होता था, जब इच्छा थी होती तब जलवृष्टि होता। पृथ्वी बिना बोए अन्न औषधि को उत्पन्न करती थी, बिना ऋतु के फल प्राप्त होते थे, ऐसा रामराज था। लेकिन वहां भी एक दुष्ट था, धोबी। एक बार भगवान श्री राम वेश बदल करके अन्वेषण कर रहे थे,
घूम रहे थे, अपने प्रजा के मनोभाव को जानना चाहते थे। एक धोबी था, उसकी पत्नी पर पुरुष के यहाँ चली गई, रात्रि में लौट करके आई और उसने कहा कि मैं तुमको घर में नहीं रखूंगा। ना हम विभर्मी त्वाम दुष्टाम असतिम परमेश्वगाम स्त्री लोभी बिभ्रिया सीताम रामो ना हम भजे पुनः। मैं राम नहीं हूँ, राम स्त्री लंपट है। उसने अपनी पत्नी सीता को रख लिया और रावण के यहाँ राक्षस के यहाँ रह करके आई, मैं वैसा तुमको अपने घर में नहीं रखूंगा। जब भगवान ने सुना इस भाषा को तो उन्होंने सोचा कि हमारे ऊपर कलंक लगा है। उन्होंने जगत नंदनी सीता का परित्याग करवाया, दो पुत्रों ने जन्म लिया लवकुश ने और त्रियोदशाब्द सहस्रम अग्निहोत्र मखंडितम 13,000 वर्षों तक अवध का राज्य शासन किया। अपने धाम को गए। इस पावन चरित्र का जो श्रवण करता है उसके जीवन में धर्म अर्थ की प्राप्ति होती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अभी अपने मध्य में यहाँ के यशस्वी सांसद, संपूर्ण क्षेत्रवासियों के प्रिय स्नेही, योग्य राजनेता के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले श्री लक्ष्मी नारायण जी यादव हम लोगों के मध्य में उपस्थित हैं। हमारी शुभकामना है, मंगल कामना है, आपके जैसे यशस्वी महानुभाव राजनेता बने, पुनः पुनः बनते रहें और समाज का देश का नेतृत्व करते रहें। हाँ पहचानते हाँ। हमारे परम स्नेही हमारे साथ कई बार विदेश यात्रा में भी गए हैं और अभी विदेश यात्रा में जाने के लिए तैयार हैं। मंडी बामूरा के प्रमुख उद्योगपति जिन्होंने गोवर्धन में भी कमरा बनवाया है, नाम लिखकर श्री दया शंकर जी अग्रवाल जो एक अयोध्या में भी कमरा बनवाएंगे यहाँ पर आए हुए हैं, कृपया वो भी मंच पर पधारे। दया शंकर जी अग्रवाल हमारे पूर्व विधायक, हमारे बहुत स्नेही प्रेमी सप्रे जी ही, आप लोग शायद इनसे परिचित होंगे, अपने मध्य में पधारे हैं। हमारी शुभकामना है, मंगल कामना है। और हमारे डॉक्टर साहब आगे से, ये रमेश जी गर्ग यहीं के हैं, सिरोंज के उद्योगपति हैं। हमारी शुभकामना है, मंगल कामना है। दयाशंकर जी नहीं आए, दयाशंकर जी को बुला लीजिए। दयाशंकर जी अग्रवाल यदि सुन रहे हो तो कृपया पधारे। हरि सिंह जी इन लोगों को साफ़ पहने, ये आप अनिल जी यादव और हमारे चेयरमैन सिरोंज के श्री राम सिंह जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। हाँ रमेश जी पधारें कृपया। धर्मेंद्र जी जैन सिरोंज के। अच्छा आज हमारे सुनील जी जिनका बयारू है यहाँ पर उपस्थित हैं, हम चाहेंगे कि इनका, अच्छा दौलत राम जी हैं ये, ठीक है ठीक है, इधर आ जाइए। टोपी पहना दिए, मैं माला पहना देता हूँ। लक्ष्मीकांत जी, वो लक्ष्मी नारायण जी, माला तो हम पहना ही दें, भगवान करे आप पुनः दोबारा, भगवान आपको एक कृति प्रदान करें। हमारे अभी प्रमुख मंडी बामूरा के उद्योगपति दया शंकर जी अग्रवाल इधर आ जाइए, इधर बुला लो, इधर आइए। हाँ खूब आशीर्वाद है, लाओ भाई साफा पहनाओ इनको, लाओ एक साफा दीजिए। और ठीक है अमित जी ने आशीर्वाद दीजिए। ए, सुनील जी पटवारी जिनका आज, हाँ वाह 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 वाह, ठीक है ठीक है।
ये भी आया है, इधर आ इधर आ इधर आ। आप थोड़ी देर यदि समय हो तो आप लोग बैठ जाए, अब नंदोत्सव प्रारंभ खूब है ना। आओ यहाँ पर मैं सांसद जी को पूर्व में ही सूचना दे देता हूँ, यहाँ पर एक आश्रम का निर्माण होने वाला है, आप भी इसमें सहयोगी रहें। मैंने सुना कि यहाँ पर आपने एक हैंड पाइप लगवाया है, हमारी शुभकामना है, मंगल कामना है, और आगे भी आपके निधि से अच्छा मोटर भी उसमें हैंड पाइप भी लगवाया है, मोटर भी लगवाया है, हमारी शुभकामना है, और आगे के लिए भी हम चाहेंगे कि यहाँ जब बने तो आप अपने निधि से उसमें कुछ धन, यहाँ संस्कृत विद्यालय बनेगा तो उसमें आपके निधि के द्वारा एक कक्ष का भी निर्माण है। आहा वाह वाह वाह, आपने घोषणा कर दी कि उसमें एक कक्ष मेरे द्वारा जरूर निर्मित होगा, हमारी शुभकामना है, मंगल कामना है। ओ अब हम लोग आगे भगवान श्री कृष्ण के पावन चरित्र का श्रवण करें, बहुत संक्षेप में हम लोगों ने पूर्व में सूर्य वंश का श्रवण किया, अब चंद्रवंश का श्रवण करते हैं। भगवान नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र का नाम था अत्रि, अत्रि के पुत्र का नाम था चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र का नाम बुध, बुध का पुत्र हुआ पुरुर्वा, पुरुर्वा के पुत्र का नाम आयु, आयु के पुत्र का नाम नहुष, नहुष के पुत्र का नाम ययाति, ययाति के पुत्र का नाम यदु। आप लोगों ने सुना इन्हीं यदु के वंश में भगवान नारायण ने अवतार धारण किया। यदु के वंश में सहस्त्रार्जुन हुए, सहस्त्रार्जुन के वंश में मधु हुए, शशबिंदु नाम के एक राजा हुए बड़े प्रतापी, जिनकी 10,000 पत्नियां थी और एक एक पत्नियों के गर्भ से 1,00,000 पुत्रों ने जन्म लिया, केवल शशबिंदु के 1,00,000,000 संतान हुए। इनके वंश में आगे चल करके ज्यामघ नाम के राजा हुए, जिनको परम पत्नी भक्त कहा जाता है, वैसा पत्नी भक्त आज तक कोई हुआ ही नहीं, कोई गुरु भक्त होता है, कोई पति भक्त होता है, लेकिन इनको पत्नी भक्ति की संज्ञा, पत्नी भक्त की संज्ञा दी गई है ज्यामघ को। इनके वंश में विदर्भ हुए, आगे चल करके शाश्वत हुए, सात्वत हुए, विष्णु हुए, विदुरथ हुए, भजमान हुए, हृदिक हुए, स्वयंभोज हुए, देवमीढ़ हुए, और देवमीढ़ के पुत्र का नाम सूरसेन, सूरसेन के 10 पुत्र हुए वसुदेव, देवश्रवा, आनक, श्रृंजय, श्यामक, कंक, समीक, देवभाग, वत्सक और ब्रिक, 10 पुत्र, और 5 पुत्रियां हुई प्रिथा, श्रुतदेवा, श्रुतसर्वा, श्रुतकीर्ति और राजाधिदेवी। तभी भगवान को भतीजा मानती थी कुंती जी, प्रिथा वसुदेव जी की बहन थी। वसुदेव जी की 18 पत्नियों का वर्णन मिलता है, भागवत में 14 पत्नियों का वर्णन आया है, पौर्वी, रोहिणी, ईला, भद्रा, मदिरा, रोचना, कौशल्या, देवकी, श्रुतदेवा, श्रीदेवा, उपदेवा, सहदेवा, धृतदेवा और देवरक्षिता, ये 14 पत्नियों का वर्णन आता है। रोहिणी के गर्भ से 8 पुत्र हुए वसुदेव जी के, बलराम, सारण, गद, विपुल, ध्रुव, कृतादि, और देवकी के गर्भ से भी 8 पुत्रों ने जन्म लिया, कृतिमान, सुखेण, भद्रसेन,
रिजु संवर्धन भद्र बलराम और कृष्ण। बलराम जी रोहिणी के भी पुत्र हैं और देवकी के भी पुत्र हैं। यदा यदि धर्मस्य क्षयो वृद्धिश्च पापमनः तदा तु भगवानिश आत्मानं सृजते हदे न ह्यस्य जन्मनो हेतु कर्मणो वा महीपते आत्ममायां विनेशस्य परस्य द्रष्टुरात्मनः। भगवान के अवतार में कोई हेतु नहीं है। जैसे जीव जगत में पाप और पुण्य का भोग भोगने के लिए जन्म लेता है, कर्मादि के अधीन होकर के, कर्मों के अधीन होकर के, क्लेशादि के अधीन होकर के क्लेशादि को भोगते रहता है, वैसे भगवान नहीं। भगवान तो स्वतः है अवतार ग्रहण करते हैं। भगवान ने अवतार ग्रहण किया मथुरा में, गोकुल में पालन पोषण हुआ, वृंदावन में आकर भगवान ने लीला की, मथुरा में गए, मथुरा में कंस आदि दुष्टों का संहार किया, द्वारिकापुरी का निर्माण किया, 16,108 राजकुमारियों के साथ विवाह किया और 1,61,080 इनके पुत्र हुए और अंत में ब्राह्मणों के द्वारा शाप दिलाया अपने कुल को और स्वधाम गमन किए। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि भगवान आपने कृष्ण कथा बहुत संक्षेप में सुना दी, विस्तार के साथ सुनाइए। आपने पूर्व में इक्ष्वाकु के वंश का, मनु के वंश का विस्तार के साथ, सूर्यवंश का विस्तार के साथ वर्णन किया, चंद्रवंश का भी जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अवतार धारण किया है, विस्तार के साथ सुनाइए। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितं परमाद्भुतं यदोश्च धर्मशीलश्च नेतरां मुनिसत्तमा। यद वंश में भगवान ने अवतार लिया और मैं तो उनका जीता जागता प्रसाद हूँ। द्रौण्यस्त विप्लुष्ट मिदं मदंगं संतान बीजं कुरु पांडवानां जुगोपकुक्षिं गतयात चक्रो मातुश्च मे शरणं गतायाः। मैं तो माँ के उदर में ही अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से दग्ध हो गया था, लेकिन भगवान ने कृपा की, करुणा की, माँ के उदर में प्रविष्ट होकर के मुझे जीवन दान दिया। अब मुझे भूख प्यास नहीं है। आज पंचम दिवस नई साती दुसहा छुनमाम त्यक्तो दमपि बाधते पिबंतम तन मुखाम भोजम चूतम भरी कथामृतम। आपके मुख से निश्रित प्रभु का पावन चरित्र श्रवण करके हमारे सारे भूख प्यास निवृत्त हो गए। जिस भूख प्यास से बाप व्याकुल होकर मैंने ऋषि के गले में सर्प डाल दिया था, आप श्री कृष्ण की कथा सुनाइए। भूमिर्दृप्त नृपो व्याज दैत्या निक सतायुत ही। उस समय संपूर्ण पृथ्वी दुष्टों के भार से आक्रांत थी। गाय का रूप धारण करके पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास में गई। ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति किए, प्रार्थना किए। भगवान ने कहा कि मैं वसुदेव गृह साक्षात भगवान पुरुषा पर जनिष्यति तत्प्रियार्थम संभवंतु सुरस्त्रिया। मैं वसुदेव जी के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लूंगा अपने प्रिया के साथ और आप लोग भी सब के सब देवता ब्रजमंडल में अवतार ग्रहण करें। वसुदेव जी का विवाह देवकी के साथ संपादित हुआ और विवाह के पश्चात स्वयं कंस देवकी के रथ की बागडोर पकड़ करके चलने लगा। तब आकाशवाणी हुई, पति प्रग्रहिणम कंस मां भाष्याः शरीरवाक् अस्यास्त्वम् अष्टमो गर्भो हन्तायां वहसे बुध। आकाशवाणी हुई, रे दुष्ट कंस, जिस देवकी के रथ की बागडोर पकड़कर तुम जा रहे हो, इसका आठवां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। तलवार निकाल लिया मारने के लिए, लेकिन समझाया बुझाया, देवकी से भय नहीं है, इसके पुत्रों से भय है, जो देवकी से पुत्र जन्म लेगा मैं आपको देते जाऊंगा। छोड़ दिया, एक पुत्र ने जन्म लिया लेकिन छोड़ दिया, ये मेरा काल नहीं है। तब तक नारद जी आ गए, देवता बाम तो गति छोड़ना नहीं, देवताओं की गति उल्टी होती है, कब आठवां हो जाए कोई पता नहीं, मारते जाओ सबको। फिर बुला करके मारा, फिर देवकी ने दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छह पुत्रों का वध कर दिया। सातवें
गर्भ में भगवान शेष आए। भगवान ने योग माया को आज्ञा दिया, योग माया ने देवकी के गर्भ से उस बालक को खींचकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया। स्वयं भगवान देवकी के गर्भ में आए और ताम भिक्षकंस प्रभयाजितांतराम विरोचयंतिम भवनम सुचिस्मिताम। अब कंस को लगने लगा देवकी को देख करके, आहै समय प्राण हरो हरिर गुहाम। अब की बार देवकी के गर्भ गुफा में, गर्भ गृह में मेरा काल आया है, मेरे प्राण का हरण करने वाला आया है। अब देवता लोग आए, देवताओं ने स्तुति किया, सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वम शरणम प्रपन्नः। इसमें इस श्लोक में 9 बार सत्य का प्रयोग हुआ है। आप प्रभु सत्य स्वरूप है, हम आपकी शरण में आए हैं। और देवताओं ने दिष्टाम्बते कुक्ष गतः परापमान माँ देवकी से प्रार्थना किया कि माँ आपके गर्भ में प्रभु आए हैं, अब आपको कंस से भय नहीं है। संपूर्ण प्रकृति प्रभु के अनुकूल हुई, अतः सर्व गुणोपेतः कालः परम शोभना। सुंदर समय आया, भाद्र मास आया, कृष्ण पक्ष आया, बुधवार आया, रोहिणी नक्षत्र आया, रात्रि की अर्धरात्रि परात पर प्रभु निशीते तम उद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्व गुहाशयः आविरासित यथा प्राच्याम दिशिन्दूरी पुष्कलः। भगवान परात पर प्रभु चतुर्भुज रूप से तमद्भुतम बालकम अम्बुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदार्युदायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गलसौभिकौस्तुभम पीताम्बरम सांद्र पयोध सौभगम। चतुर्भुज रूप से भगवान प्रकट हुए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की, बाल कृष्ण लाल की, बाल कृष्ण लाल की। चतुर्भुज रूप से भगवान प्रकट हुए। माँ देवकी ने स्तुति किया, वसुदेव जी ने स्तुति किया और पूछा कि भगवान आप संसार में किस लिए आए हैं। भगवान ने कहा लीला करने के लिए। तो ये चतुर्भुज रूप लीला बपू नहीं है, चतुर्भुज रूप से लीला नहीं होती है, उसके लिए तो 2 भुजा वाला बनना पड़ता है। उपसंहर विश्वात्मन नदो रूप अलौकिकम शंख चक्र श्रियाजुष्टम शंख चक्र गदा पद्म, इनको सब छोड़िए। देखते देखते पित्रो संपश्यतो सद्यो बभू अप्राकृत शिशु बालक बन गए। वसुदेव जी ने विचार किया कि बालक तो ये बन गए, अब क्या करूं। भगवान ने प्रेरणा दिया, बालक को गोद में उठाया। उठाते ही हाथ की हथकड़ी खुल गई, पांव की बेड़ी खुल गई, द्वारपाल सो गए, जेल का दरवाजा खुल गया, लेकर चल पड़े। जमुना ने मार्ग दिया, बालक को लेकर के गोकुल पहुंचे। पहले से ही यशोदा ने एक बालक को बालिका को जन्म दिया था, वहां पर भगवान श्री कृष्ण को रखा और बालिका को लेकर के मथुरा में आए। जब कारागार के अंदर प्रवेश किए तो हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ी लग गई, जेल का दरवाजा बंद हो गया, द्वारपाल जग गए, कंस को सूचना दी गई। कंस आया और देवकी के गोद से बालिका को खींच करके, यद्यपि चाहती नहीं थी लेकिन फिर भी पूर्व पद्धति के अनुसार पटका। वो साधारण कन्या नहीं थी, वो आकाश में उड़कर चली गई और वहीं से उसने घोषणा कर दी, भविष्यवाणी कर दिया कि मया हत्या मंदह जाता खलु तवांत कृत, हमको मारने से तुम्हारा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा, तुमको मारने वाला अन्यत्र कहीं जन्म ले चुका है। पश्चाताप किया और अब हम लोग चले गोकुल में। भगवान श्री कृष्ण यशोदा के पास पहुंचे। यशोदा निद्रियापगत यस्मृति, यशोदा जी सो रही थी, भगवान श्री कृष्ण आए और वो सो रही हैं। भगवान ने सोचा कि सो रही हैं, इनको जगाऊं, जगाने का बल क्या है मेरे पास। बालक का बल रुदन होता है। भगवान रोने लगे। जब भगवान रोने लगे तो भगवान का रुदन आनंद के रूप में परिणत हो गया। संपूर्ण ब्रजवासी आनंद में भर गए, मस्ती में भर गए, डूब गए। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामनः आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिर अलंकृतः। आज नंद बाबा के यहाँ बुढ़ापे में बालक ने जन्म लिया है,
नंद बाबा को बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया। हरि ओम मा स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बाल कृष्ण भगवान आए, नंद बाबा ने उदारता का परिचय दिया और खूब धन धान लुटाया। सब देवता गंधर्व सिद्ध चारण सब के सब वहां पर पधारे। गोप्य समृष्ट मणिकुंडल निष्क कंठ चित्रांबरा पति सुखाच्युतमाल्य वर्षा सब लोग सब ब्रजवासियां नंद भवन के लिए प्रस्थित हुई। अपने हाथ में नाना उपहार की सामग्री लेकर के अवाद्यंत विचित्राणी बादित्राणी महोत्सवे कृष्णे विश्वेश्वरे नन्ते नंदस्य ब्रजमागते। आज बाल कृष्ण गोकुल में पधारे हैं और मैं चाहूंगा कि हमारे संयोग से इत्तफाक से सांसद महोदय पधारे हुए हैं, सर्वप्रथम वही हमारे बाल कृष्ण का पूजन करें। और हमारे श्री सप्रे जी और हमारे चेयरमैन साहब संयोग से पधारे हैं, हमारे अध्यक्ष जी हमारे घनश्याम शरण जी त्यागी, पहले जो सह यजमान लोग हैं वो पूजन करेंगे और उसके पश्चात हाँ लक्ष्मण जी वगैरह सब पहले पूजन करें और उसके बाद और तो तुम बोला बोला करो। अब नहीं, अब हमको सबका नाम याद नहीं रहता। सब लोग आकर के पूजन करें, जिनका हमने नाम लिया नहीं लिया है, नाम महत्वपूर्ण नहीं है। और एक मधुर मधुर सब लोग पूजन करें, जिसको जो चढ़ाना हो द्रव्य दक्षिणा स्वर्ण आभूषण हाथी घोड़ा वो चढ़ाते रहें और एक मधुर मधुर बधाई का श्रवण करते रहें। देन चहे करतार जिन्हें सुख कौन रहीम कहे ते हिटारी उद्यम कोई करे न करे धन आवत है बिन हाथ पसारी। देव हसे सब ताली बजा के कर तब्यन देख बिचारी बाल भयो वसुदेव के घर और नौबत बाजी नंद के द्वारे। अरे यशोदा 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 अरे यशोदा के खोलो बड़ी खुशी की बात गोदी में लल्ला खायो है आज आधी रात गोदी में लल्ला सुधा के कानों में
मैया जी के पास भीड़ नहीं मचाएंगे। जो भी भक्तगण पूजन कर लिए भीड़ नहीं मचाएंगे, यहाँ पर एक एक करके पूजन करने के लिए आएंगे। कोई भी वंचित ना रहे पूजन से, तो आप सभी लोग एक एक करके पूजन करने के लिए कन्हैया जी का सभी लोग आएंगे और बधाई भी लेते रहेंगे। भैया ये जो पूजन कर चुके हैं थोड़ा दूर आके नच लीजिए, विक्षेप हो रहा है। दासी ने नंद जी को तब है बताया, हीरों का हार उसको फौरन पहनाया, हीरों का हार उसको फौरन पहनाया, हीरों का हार उसको फौरन पहनाया। आकर के लाला का मुखड़ा निहारा, आंखों के द्वारा निकली प्रेम की धारा, आंखों के द्वारा निकली प्रेम की धारा, आंखों के द्वारा निकली प्रेम की धारा। तन मन नाचा श्याम श्याम, तन मन नाचा रुक गई बाचा, तन मन नाचा रुक गई बाचा, रोम रोम हंसा गोदी में लल्ला। जिन्होंने पूजन नहीं किया है ठाकुर जी की आकर के पूजन करें, जिन्होंने ठाकुर जी का पूजन कर लिया वो साइड हो जाएं, और जिनको पूजन करना हो कृपया करके ठाकुर जी की आकर के पूजन करें। आते जाएं क्रम से, एक एक लोग आते जाएं, कोई बात नहीं, ज्यादा भीड़ नहीं है, आ जाओ। भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल की, करके आके पूजन करते रहेंगे। कौन को दिए लड्डू पेड़ा, कौन को दिए लड्डू पेड़ा, कौन को दी नीला मुसी, कौन को दिए
हाथी घोड़ा कौन को दिए हाथी घोड़ा कौन को दीनी पालकी कौन को दिए हाथी घोड़ा कौन को दीनी पालकी कौन को दिए हाथी घोड़ा कौन को दीनी पालकी कौन को दिए हाथी घोड़ा कौन को दीनी पालकी ज्वालन को हाथी घोड़ा ज्वालन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी ज्वालन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी
हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, 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 हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, शाओ शाओ मनसो जातक्षु सूर्यो अजात श्रोत्रद्वाय प्राण च मुख दग्निजाता। आरती में हमारे सांसद महोदय भी आज सम्मिलित हुए हैं, बहुत प्रसन्नता की बात है। बोल बोल बोल। हरे चंद्रमा मनसो जात सुखो सूर्यो अजात श्रोत्रा स्वाय सम्राण समुखा दग्निरजायत। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे, श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा के नैनन को तारो, बाबा के परम मोदी
ओम देव शांतिरंदर सुगुम शांति।